हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज आम यही वीडियो रे इंग्लिश ग्रामर रो क्लास टू देखिबा। ऑलरेडी आम प्रीवियस क्लास रे 1 to 21 पर्यंत कॉन्सेप्ट देखी सारी, तो जो माने भी देखी नहांती देन आपण माने जे देखिबारियो सेथिरे मु बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट कहिछि। ठीक अछि, तो आज आम कॉन्सेप्ट 22 टू स्टार्ट करिबा। प्रीवियस कॉन्सेप्ट थिला आमर मॉडल सुबुरु को नेकी। ठीक अछि, तो आज आम स्टार्ट करिबा कॉन्सेप्ट 22। कॉन्सेप्ट 22 होछि आमर रिलेटेड टू कंजप्शन। आमर कंजक्शन को नहीं कि आमर कनसेप्ट 22 एठी आमर कनसेप्ट होची एदर और नेदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो और नॉर नॉन बट एही भली जदी आमर पेयर कंजक्शन एही सब उडा होची आमर पेयर कंजक्शन। एही सब पेयर कंजक्शन परे जेउ वर्ब टी आसीबो सेही वर्ब टी नियरेस्ट सब्जेक्ट अनुसार आसीबो। नियरेस्ट सब्जेक्ट अनुसार आसीबो इट मींस एदर पर एठी गोटे सब्जेक्ट आसीबो देन ये भी गोटे सब्जेक्ट आसो। यहाँ हूँ आमर सब्जेक्ट 1, यहाँ हूँ आमर सब्जेक्ट 2। यापर जो सब्जेक्ट टी आस सब मन रखा नियरेस्ट सब्जेक्ट अनुसार भव टी आस। इट मीनस ये जदि प्लूराल अच्छी देन यही भव टी प्लूराल हम जदि ये भव टी ये जदि सब्जेक्ट टी सिंगुलर अच्छी देन यही भव टी हम आमर सिंगुलर। मन रहा दुईटा सब्जेक्ट आस पेयर कंजक्शन मान कौन दुईटा सब्जेक्ट को कनेक्ट कर। यही दुईटा सब्जेक्ट सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 अच्छी सब्जेक्ट 1 अकॉर्डिंग टू वर्ब आस। सब्जेक्ट जदि सिंगुलर देन वर्ब सिंगुलर रदि सब्जेक्ट प्लूराल देन वर्ब टी आम प्लूराल रहीदर अ नेदर नर नॉट ओनली बट आल्सो और नर बट नॉन बट। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? देन देखिबा किछि क्वेश्चन। देखो ये मुझे जहाँ कहली सबुबले वर्ब पाख सब्जेक्ट अनुसार आसो। सबुबले वर्ब पाख अनुसारे सब्जेक्ट टी आसो आमर इट मीनस वर्ब टी वर्ब रो पाखरे जो सब्जेक्ट टी अच्छी सब्जेक्ट पाखरे जो वर्ब टी अच्छी ओके अल्टरनेटिव आसो वर्ब पर जहाँ प्रोनाउन रहिबो तहा सब्जेक्ट अनुसार आसो। इट मीनस सब्जेक्ट अनुसार वर्ब टी आसी वर्ब पर जो प्रोनाउन टी आसो तहा सब्जेक्ट अनुसार आसो। ठीक अच्छे, देखिबा ए क्वेश्चन टी। क्वेश्चन कहला एदर रोहित और हिज फ्रेंड्स हेज हम ना हेव हम कम। यहाँ अच्छे आमर प्रेजेन्ट परफेक्ट टेन्स। एदर रोहित और हिज फ्रेंड्स ये हेज आसो ना हेव आसो कम हम ट्राई करवा। एदर रोहित और हिज फ्रेंड्स कम ट्राई करवा कौन हम ये आमर क्यों भाव टी हम एदर रोहित रोहित हूँ ये आमर सब्जेक्ट 1 एंड हिज फ्रेंड्स यहाँ हूँ आमर सब्जेक्ट 2 एंड मुझे अलवेज एदर और हूँ गोटे पेयर कंजक्शन। जदि पेयर कंजक्शन आसला देन सब्जेक्ट 2 अनुसार आसो। तो ये एदर रोहित और हिज फ्रेंड्स इट मीनस यहाँ हूँ कौन आम प्लूराल सब्जेक्ट। जदि सब्जेक्ट प्लूराल देन भावटा कौन हम प्लूराल हम दैट इज हेव हम यार करेक्ट आंसर। एदर रोहित और हिज फ्रेंड्स हैव कम यही सेंटेंस टी को ही जिते आम इंटरोगेटिव सेंटेंस करवा। देख यही सेंटेंस टी अच्छी आम डिक्लेरेटिव पॉजिटिव सेंटेंस रे एटा होची आमर जिते इंटरोगेटिव करदे ये कहला एदर रोहित और हिज फ्रेंड्स कम ये हेज हम ना हेव हम एदर रोहित और हिज फ्रेंड्स कम ये आम हेज हम ना हेव हम ट्राई करवा। यही सेंटेंस रे यही जो फिलर पर नियरेस्ट सब्जेक्ट थिला हिज फ्रेंड बट यही सेंटेंस रे यही फिलर पर नियरेस्ट सब्जेक्ट हूँ रोहित। जिते यहाँ क्वेश्चन हो जाए सेंटेंस पर नियरेस्ट सब्जेक्ट हूँ रोहित जेहेतु रोहित हूँ नियरेस्ट सब्जेक्ट तो नियरेस्ट सब्जेक्ट अनुसार ये वर्ब टी आसो। तो ये रोहित हूँ आमर सिंगुलर दैट्स व्हाई ये आम कौन हम हेज हम हेज एदर रोहित और हिज फ्रेंड्स कम हम यार करेक्ट आंसर। बुझीगला? देन जी नेक्स्ट देख यहाँ कहला नेदर द कैप्टन नॉर हिज मैन आर अफ्राइड ऑफ फाइटिंग। यही सेंटेंस टी आम ठीक अच्छे ना भूल अच्छे ट्राई करवा। नेदर द कैप्टन कैप्टन सब्जेक्ट 1 नॉर नेदर नॉर आसीगला गोटे पेयर कंजक्शन। नेदर द कैप्टन यहाँ हूँ आम सब्जेक्ट 1 नॉर हिज मैन यहाँ प्लूराल रही सब्जेक्ट 2 आर
एफ्राइड ऑफ फाइटिंग एक सेंटेंस टी आमर ठीक अच्छे ना भूल अच्छे ट्राए करवा नेदर द कैप्टेन नॉर हिज मैन। देख ये सेंटेंस टी कौन होमर नेदर नॉर आसीगला पेयर कंजक्शन देन सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू ये जो भर्ब टी आसीबो नियरेस्ट सब्जेक्ट अनुसार आसीबो एठी नियरेस्ट सब्जेक्ट होची मैन इट मीन्स एम ए एन मैन रो प्लुराल होची एम ई एन मैन नॉर हिज मैन ये जो हिज आस गोटे पजेसन रे ठीक अच्छे गोटे पजेसीव एडजेक्टिव आम आट्रीब्यूटिव सेन्स रेपर ठीक अच्छे यही जो हिज मैन को क्वालिफाई करुच्ची देन नेदर द कैप्टेन नॉर हिज मैन आर ठीक अच्छी एफ्राइड ऑफ फाइटिंग बिकॉज एठी सब्जेक्ट टू प्लुराल देन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट ठीक अच्छे सब्जेक्ट जदि प्लुराल हम देन वर्ब मध्य हमरो प्लुराल हम देन एठी हमरो वर्ब टी प्लुराल अच्छे किसी असुविधा ना। ओके देन देखिबा नेक्स्ट सेंटेंस एदर अंकित और हिज फ्रेंड्स इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिसचीफ ये सेंटेंस टी ट्राए करवा यही सेंटेंस टी आमर एरर कौटी अच्छी जदि एरर नहीं देन ओके ओके एदर अंकित एदर आसला एदर और हूँ आमर कौन पेयर कंजक्शन एदर अंकित अंकित हूँ ये आमर सब्जेक्ट वन और हिज फ्रेंड्स यहाँ हूँ आमर प्लुराल ओके एंड जदि एदर आर एदर और आसीगला गोटे पेयर कंजक्शन यार कनसेप्ट होची एहा परे जो भर्ब टी आसीबो इट मीन्स इज आसी जाइची एटा सब्जेक्ट टू होची हमरो प्लुराल काउंटेबल सब्जेक्ट गोटे प्लुराल सब्जेक्ट तो ये कौन इज हम कि इज हम ना ये कौन हम आर हम ओके एदर अंकित और हिज फ्रेंड्स आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिसचीफ ठीक अच्छे बुझीगला ओके कनसेप्ट 22 पूरा क्लियर ओके यही जो कनसेप्ट 22 थी आमर पेयर कंजक्शन को लेकिन देन आम देखा आमर कनसेप्ट 23 कनसेप्ट 23 हूँ प्रीवियस वीडियो रे आम देखी हु विच एंड दैट रो रिलेटिव कनसेप्ट माने गोटे रिलेटिव प्रोनाउन बा रिलेटिव कंजक्शन देन गोटे रिलेटिव क्लज केमी हो कनसेप्ट आम प्रीवियस वीडियो रे देखी थे तो से समय मु कौन कही मु से समय कही जदि हु किंबा विच एंड दैट आसीबो यहाँ पर जो वर्ब टी आसीबो सब बेले जेहेतु एटा गोटे रिलेटिव प्रोनाउन एहा जेहेतु गोटे रिलेटिव प्रोनाउन यार बिफोर रे इट मीन्स एहा पूर्वरु जो सब्जेक्ट टी आसीबो सही सब्जेक्ट अनुसार आमर एहा परे जो वर्ब टी आसीबो यूज हुए बिकॉज एटा कौन आमर गोटे रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन पूर्वरु जो सब्जेक्ट टी आसीबो इट मीन्स एही सब्जेक्ट को एही रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करे एवं एहा परे जो वर्ब टी आसीबो एही सब्जेक्ट अनुसार आसीबो जेमिति गोटे सेंटेंस थिला इट इज आई हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिस्टेक एभली सेंटेंस हमें किसी प्रैक्टिस करथिले बट आज आम कनसेप्ट 23 रे एहा देखिबा जे आम हु केतेबेले यूज करिबा विच केतेबेले यूज करिबा एंड दैट केतेबेले यूज करिबा बुझीगला। आज कनसेप्ट हूँ आमर यह आम हु केतेबेले यूज करिबा विच केतेबेले यूज करिबा एंड दैट केतेबेले यूज करिबा आज आम से ही विषय में देखा। ओके देख हु केतेबेले यूज करिबा गोटे ह्यूमन बीइंग्स मीन्स गोटे लिविंग बॉडी पाखे आम हु रो यूज करिबा गोटे ह्यूमन बीइंग्स पाखे आम गोटे लिविंग ऑब्जेक्ट बा लिविंग बॉडी पाखे आम हु रो यूज कर विच रो यूज केत गोटे नॉन लिविंग होइथिबो गोटे निर्जीव होइथिबो किंबा गोटे एनिमल होइथिबो तो ये प्रश्न उठेबा दरकार नुह जे एनिमल तो गोटे सजीव बट हाँ से ही कहुच्छे विच रो यूज से ही समय आम करवा जो गोटे नॉन लिविंग होइथिबो किंबा गोटे एनिमल होइथिबो बुझीगला गोटे नॉन लिविंग होइथिबो किंबा गोटे एनिमल होइथिबो से ही समय आम विच रो व्यवहार करिबा एंड जेतेले मु हु एंड विच को जेतेले मु ऐड कर देबी ती पूराटा हमर हबो दैट रो व्यवहार सेटा हमर कोन हबो दैट रो व्यवहार हबो इट मींस कोन ह्यूमन बीइंग्स भी आसीबो गोटे सेंटेंस रे एज वेल एज गोटे नॉन लिविंग किंबा गोटे एनिमल्स आसीबो एंड सही समय रे आमे हु एंड विच रिलेटिव प्रोनाउन नो यूज करिकी दैट रो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करिबा क्लियर।
एंड दैट रो आउ गोटे रिलेटिव प्रोनाउन रो यूजेस जहाँकि सुपरलेटिव डिग्री रे अच्छी आम नेक्स्ट कनसेप्ट देखा यही जो 23 कनसेप्ट को लेकिन जहाँ जहाँ कनसेप्ट कहली क्लीयर देन यही रिलेटेड किसी क्वेश्चन देखा जदि कनसेप्ट क्लीयर देन ट्राए करवा एक क्वेश्चन ये कहगला हार्दिक पांड्या इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच यही सेंटेंस रे कौन एरर अच्छे ट्राई करवा ठीक अच्छे जहाँ कनसेप्ट कहली से कनसेप्ट बुझी सारापर यहीटा आमर आराम से हो हार्दिक पांड्या इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच देख आप्रोच केमी रोक हार्दिक पांड्या हूँ सेंटेन्स सब्जेक्ट इज आसीगला आमर ये सिंगुला हार्दिक पांड्या इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ओके ये प्लेयर्स हम ये एरर कौन थी प्लेयर्स हम बिकज वन जदि आसीगला ना आम प्रीवियस वीडियो रे देखी थे वन परे जहाँ आसव यहाँ सब गोटे कौन हम प्लूराल हम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हम ये हु हैव बीन ओके हु आसला क्या जो प्लेयर्स ओके देन यही प्लेयर्स ये कौन जेहेतु यहीटा प्लूराल देन यही फॉर्म टी प्लूराल हम यहाँ प्रीवियस वीडियो रो कांसेप्ट बट ये हु कहीं आसला बिकज हार्दिक पांड्या इट मीन जो प्लेयर्स मैंने कौन गोटे ह्यूमन बीइंग्स गोटे लिविंग दैट्स व्हाई ये कौन आसला हु रिलेटिव प्रोनाउन आसला हार्दिक पांड्या इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स प्लेयर्स हम प्लेयर हम ना सिंगुलर हम ना ये सिंगुलर अच्छी भाविक आम ये हेज करवा ना बिकज मुझे यही कनसेप्ट मुझे प्रिभस भिडियो कही केवल यह रिलेट करोटा टी एक्सटेड करोचे हु आसला लिविंग हु हाव बीन सिलेक्टेड फर द टेस्ट मैच यार अर्थ मुझे थोड़े कहीदे गोटे क्रिकेट टीम पर धरी नवा मनकर 15 प्लेयर सिलेक्ट होती ता अर्थ हूँ हार्दिक पांड्या इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच यही जो टेस्ट मैच पर 15 प्लेयर ऑलरेडी सिलेक्ट होती से ही सिलेक्ट होता प्लेयर मानक मधुर जड़े हूँ आम हार्दिक पांड्या ओके हार्दिक पांड्या ठीक अच्छे बुझीगला देन देखा यहाँ दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज व्हिच हैव डन वेल यही सेंटेंस टी देख यही सेंटेंस कौन कहगला दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज व्हिच हैव डन वेल यह अर्थ कौन यह अर्थ होची दिस इज ठीक अच्छे वन ऑफ द फ्यू कंपनीज वन आसला वन ऑफ पर कौन हम ये कंपनीज प्लूराल अच्छे ठीक अच्छे देख दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज ए व्हिच कौन गोटे रिलेटिव प्रोनाउन एंड यही व्हिच कहापी आसव यही कंपनी आसो यहाँ हूँ गोटे नॉन लिविंग दैट्स व्हाई ये कौन है व्हिच आसला देन ये कंपनीज प्लूराल अच्छे ये कंपनीज वर्ब हम ये हैव हम इट मीन ये हैव रो सब्जेक्ट हूँ कंपनीज व्हिच हम ना ही सब्जेक्ट मन रखा बिकज यहाँ कौन आम रिलेटिव प्रोनाउन एंड यहाँ जहाँ अच्छे से आम कहते गोटे रिलेटिव क्लॉज कहते एग्जाम जदि आसीज रिलेटिव क्लॉज केमी फाइंड आउट करवा यहाँ हूँ तार कनसेप्ट यू आम रिलेटिव प्रोनाउन कौन रिलेटिव कंजक्शन कौन रिलेटिव क्लॉज कौन आराम से व्हिच हैव डन वेल यहाँ हम आम रिलेटिव गोटे कंजक्शन सॉरी रिलेटिव क्लॉज एंड गोटे क्लॉज रे एटलिस्ट सब्जेक्ट देन गोटे भर्ब रहा निहाती आवश्यक बट गोटे फ्रेज जहाँकि गोटे कंप्लीट मीनिंग दैट इज क्लॉज एंड गोटे फ्रेज हूँ से सब्जेक्ट भर्ब आसो ना बट आम कहीपर कंप्लीट मीनिंग ना पार्शियली मीनिंग दे ठीक अच्छे आम देखा फ्रेज कौन क्लॉज कौन टेन्स एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नरेशन क्वेश्चन टाग धीरे धीरे देखा प्रथम आम ग्रामर रो पार्ट टू आम सारे ओके देन येस्टरडे आई शो ए वुमेन एंड हर डॉग दैट वेयर इन द मार्केट्स यही सेंटेंस टी ट्राए करवा देख यही सेंटेंस टी मुझे जहाँ कहली हु इज दैट येस्टरडे गत काली आई शो मुझे देखिली ए वुमेन जड़े वुमेन को मुझे देखिली एंड हर डॉग ये कौन है ये आमर हु आसीगला एंड विच आसीगला ठीक अच्छे एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स इट मीन कौन हम ये रिलेटिव प्रोनाउन हम दैट हम रिलेटिव प्रोनाउन कौन हम दैट हम एंड ए वुमेन एंड हर डॉग यहाँ कौन प्लूराल दैट्स व्हाई ये कौन है वेयर आसला वेयर इन द मार्केट बुझीगला क्लीयर किसी असुविधा ना ओके देन जी नेक्स्ट नेक्स्ट हूँ आम कनसेप्ट 24 जहाँकि आमर मुझे दैट्र कनसेप्ट आम सुपरलेटिव डिग्री केमी यूज हुए ताकि देखा आम कनसेप्ट 24 रे
देख कनसेप्ट 24 हूँ आम सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री उनो आमर एडजेक्टिव जमी एडभव पॉजिटिव डिग्री देन कंपैरेटिव डिग्री देन सुपरलेटिव डिग्री। तो से सुपरलेटिव डिग्री रो किसी वर्ड अच्छे अल हूँ गोटे सुपरलेटिव डिग्री वर्ड से भाई नन हूँ गोटे सुपरलेटिव डिग्री वर्ड द ओनली एंड द सेम ये द सेम रो गोटे एक्सेप्शन भी अच्छे जिते बड़े आम अल पाइबा नन पाइबा कि द ओनली पाइबा कि द सेम पाइबा से समय आम दैट यूज करवा जदि यापर गोटे सब्जेक्ट देन गोटे भर्ब अच्छे गोटे सब्जेक्ट देन गोटे भर्ब अच्छे बुझीगला। सुपरलेटिव डिग्री रो यूजेस सुपरलेटिव डिग्री जो कि आम अल नन द ओनली द सेम यही जब आम पाइबा यापर आम दैट रो यूजेस करवापर आम दैट रो यूज करवापर गोटे सब्जेक्ट एंड गोटे आम भर्ब पाइबा ठीक अच्छे ठीक जो दैट पर जेहेतु यहाँ गोटे रिलेटिव टर्म्स यूज हम कि गोटे सब्जेक्ट भी पाइपर बट ये आम एक्सेप्शन होजी जदि गोटे सेंटेंस रे द सेम आसीगला यापर आम एज यूज करवा से इट मीनस द सेम पर आम दैट रो यूज करवा ना जितेबले सब्जेक्ट पर भर्ब आसो ना से समय आम एज रो यूज करवा से समय आम एज रो यूज करवा इट मीनस ये आम दैट रो यूज करवा ना बुझीगला। द सेम पर जहाँ भी आस गए सेन्टेन्स तापर आम रिलेटिव प्रोनाउन एज यूज करवा रिलेटिव प्रोनाउन एज यूज करवा आम कहीपर गोटे कंजक्शन सेन्स एज यूज करवा जदि यापर सब्जेक्ट पर भर्ब आसो ना देख केमी हम सेन्टेन्स बुझी कहगला माइक वाज वन अफ द बेस्ट पोएट्स हु विच दैट हैव एवर लिव्ड ये कौन हम हु हम ना विच हम ना दैट हम ट्राए करवा माइक वाज वन अफ द बेस्ट पोएट्स विच दैट हैव एवर लिव्ड ट्राए करवा कौन हम ये देख माइक वाज वन अफ द बेस्ट आसीगला मैं सुपरलेटिव डिग्री माइक वाज वन अफ द बेस्ट पोएट्स ये कौन हम दैट हम एंड द पोएट्स गोटे कौन द पोएट्स वन अफ द बेस्ट पोएट्स गोटे नन लिविंग एंड गोटे सुपरलेटिव फॉर्म आसीगला ये हम आम दैट हैव एवर लिव्ड हम यार करेक्ट आंसर ओके एंड एग्जाम ये आम स्टेट लेवल एग्जाम मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन All that glitters is not gold. ये दैट जगह आम इम्प्रुवमेंट करवा हु हम कि विच हम ना नो इम्प्रुवमेंट हम मुलरेडी कहली अल जदि आसला कि नन आसो कि दा ओनली आसो कि दा सेम आसो देन आम से समय दैट यूज करवा जदि दा सेम एक्सेप्शन होदी दा सेम आसला यापर एज यूज हम जितेबले एज पर केवल सब्जेक्ट पाइबा ठीक अच्छे एज पर आम केवल सब्जेक्ट पाइबा जदि भर पाइबा ना से समय आम एज यूज करवा दैट यूज करवा ना ठीक अच्छे बुझीगला। देख ये कौन कहगला ये कहुच्छे अल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड अल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड अल आसला ना देन दैट अच्छे ठीक अच्छे इट मीनस ये हु भी हम ना विच भी हम ना तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी नो इम्प्रूवमेंट अल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड तुमको थोड़ा सब जिन सुना नुहत सुना ना बुझीगला। देन जी नेक्स्ट मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन यूज स्पीच एज ए टूल ऑफ एक्सप्रेशन ये सेंटेंस रे एरर कौटी अच्छे ट्राए करवा मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन यूज स्पीच एज ए टूल ऑफ एक्सप्रेशन यही सेंटेन्स एरर कौटे देख मैन इज द ओनली एनिमल एनिमल गोटे आसला ना मैन इज द ओनली एनिमल जो गोटे एनिमल आसपर हु हम ना विच हम ना दैट हम यापर ये कौन आसला दा ओनली आसला देन आउ थे दा ओनली आसला जब दा ओनली आसला यापर आम कौन रिलेटिव प्रोनाउन यूज करवा कही सुपरलेटिव डिग्री में आम दैट यूज करवा ठीक अच्छे ये कौन हम मैन इज द ओनली एनिमल दैट
कैन देन मॉडल वर्ब यूज स्पीच एज ए टूल ऑफ एक्सप्रेशन यार करेक्ट आंसर बुझीगला कहीं दैट है बिकज ये दा ओनली आसला दा ओनली हूँ गोटे सुपरलेटिव फॉर्म्स मैंने गोटे सुपरलेटिव डिग्री भी यूज होती दा ओनली दा सेम ठीक अच्छे दा ओनली दा सेम ऑल एंड नॉन यही जो सुपरलेटिव्स वर्ड पाइबा यापर आम दैट यूज करवा यहाँ जमी आम मन रखा ओके देन जी नेक्स्ट देख नेक्स्ट कौन कहला नेक्स्ट कहला मैन इज द ओनली एनिमल मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक ये विच हम ना दैट हम ना नो इम्प्रूवमेंट हम इट मीन ये आम इम्प्रूवमेंट करवा दरकार मैन इज द ओनली एनिमल ये अगेन द ओनली आसीगला जब द ओनली आसला आम कौन करवा हब ना ये कौन हम दैट हम विच भी हम ना इम्प्रूवमेंट जरूरी अच्छे हुम भी हम ना मैन इज द ओनली ये आम रिलेटिव प्रोनाउन कौन यूज हम दैट यूज हम ओके देख ये देख यही सेंटेन्स ट्राई करवा दिस इज द सेम डग विच एज दैट यही अप्सन भितर कौटा हम माइन माइन मान य गोटे कौन पजेसीव प्रोनाउन माइन ठीक अच्छे यही माइंड रूजेस आज भिडियो हिं आगे आम देखा ठीक अच्छे दिस इज द सेम डग दा सेम आसीगला दा सेम एक्सेप्शन कौन दा सेम एक्सेप्शन हूँ जदि यापर सब्जेक्ट प्लस भर्ब रहा देन यहाँ गोटे सुपरलेटिव डिग्री अनुसार आम दैट यूज करवा दैट यूज करवा बट जेहेतु ये माइंड पर भर्ब ना तो ये आम कौन यूज हम आम एज हम आम यूज ये कौन हम दिस इज द सेम डग एज माइंड दिस इज द सेम डग एज माइंड मान माइ डग यही जो माइंड रेटिकल जस्ट हिंट्स दे दूसरे आगे आम देखा प्रोनाउन रोटे अच्छे आम केस दैट इज पजेसीव एडजेक्टिव यही पजेसीव प्रोनाउन रही गोटे केस हूँ पजेसीव एडजेक्टिव एंड से पजेसीव एडजेक्टिव प्लस गोटे नाउन मिसी आमर पजेसीव प्रोनाउन तैयारी करते ठीक अच्छे यार यूजेस आम आगे देखा एंड बुझीगला ये दा सेम आसला एंड दा सेम आसापर जेहेतु ये कौन ना भव ना दैट्स ये आम ये सुपरलेटिव डिग्री हेले एक्सेप्शन केस देखी ये आम कौन यूज करना ये आम दैट यूज करना विच तो एमती हम ही ना बिकज ये सुपरलेटिव डिग्री आसला ये एनिमल आसले भी कौन है गोटे सुपरलेटिव डिग्री आस दैट्स वाई ये दैट होता कि एज होता जेहतु भग नहीं ये आम एज हम मुझे कनसेप्ट जहाँ कनसेप्ट कही अनुसार ही क्वेश्चन थी देख दिस इज द सेम डग एस विच एज दैट बीट हिम व्हाइल ही वाज गोइंग टू द मार्केट ये सेंटेन्स ट्राए करवा ये आम विच हम ना एज हम ना दैट हम ट्राए करवा ये सेंटेन्स टी देख ये सेंटेन्स टी कहला दिस इज द सेम डग ठीक अच्छे किसी असुविधा ना दिस इज द सेम डग विच तो हम ना ये एनिमल आसिले ये जेहेतु दा सेम आसी सुपरलेटिव डिग्री तो प्रथम रू ही आम विच कटिगला देन एज आसी देखा एज के बड़े यूज होता दा सेम एक्सेप्शन एज यूज होता जितेबले यापर जदि आम भर्ब न था यापर सब्जेक्ट अच्छी देन भर्ब भी अच्छी मीन एज भी हम ना देन दा सेम सुपरलेटिव डिग्री पे कौन यूज हम ये आम दैट हम आम करेक्ट आंसर बुझीगला दिस इज द सेम डग दैट बीट हिम व्हाइल ही वाज गोइंग टू द व्हाइल ही वाज गोइंग टू मार्केट बुझीगला ओके देन यहाँ ट्राए करवा देन आम कनसेप्ट 25 देखा ये सेंटेन्स टी पर दिस इज द सेम मैन व्हिच हेल्पड मी दिस इज द सेम मैन व्हिच हेल्प इड मी यही सेन्टेन्स टी ट्राए करवा कौन एरर अच्छे देखा ये देख दिस इज द सेम मैन दा सेम आसीगला ये दिस इज दा सेम देन ये विच हम कि विच हम ना ये कौन हम आम दा सेम सुपरलेटिव डिग्री आसला देन हेल्पड मी अच्छी मैंने कौन सब्जेक्ट भाव अच्छी एज हम ना ये कौन हम आम दैट यूज हम ये आम कौन यूज हम दैट यूज हम बुझीगला किसी असुविधा ना ओके देन जी आम कनसेप्ट 25 ठीक अच्छे कनसेप्ट 22 23 24 पूरा क्लियर देख कनसेप्ट 25 कनसेप्ट 25 हूँ आम जदि गोटे सेन्टेन्स ए नंबर अफ
प्लस गोटे नाउन आसीबो देन सही नाउन टी आमर प्लुराल हबो देन या परे जे वर्ब टी आसीबो जेहेतु नाउन प्लुराल वर्ब मध्ये प्लुराल हबो ए नंबर ऑफ परे गोटे नाउन आसीबो सही नाउन टी आमर प्लुराल हबो जेहेतु अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन प्लुराल देन वर्ब मध्ये प्लुराल हबो ओके सिमिलर जदि सेठी ए बदल रे आर्टिकल द नंबर ऑफ आसीगला देन एहा परे जे नाउन टी आसीबो प्लुराल हबो बट एहा परे जे वर्ब टी आसीबो सेठा हबो हमरो सिंगुलर ठीक अछि द नंबर ऑफ आसीले ऑलवेज वर्ब सिंगुलर ए नंबर ऑफ आसीले ऑलवेज वर्ब हबो हमरो प्लुराल क्लियर ए नंबर ऑफ बिकॉज ए नंबर ऑफ रो अर्थ होछि ना एठी मेनी सेंस कैरी करू ए नंबर ऑफ रो अर्थटा हमरो मेनी सेंस कैरी करू सी दैट्स व्हाई एठी हमें ए नंबर ऑफ जदि पाइबा देन एहा परे जे नाउन टी हबो सेटा प्लुराल जे वर्ब टी आसीबो सेटा हम मध्ये प्लुराल बिकॉज नाउन प्लुराल वर्ब प्लुराल बट द नंबर ऑफ परे जे नाउन टी आसीबो सेटा मध्ये प्लुराल हबो एंड एहा परे जे वर्ब टी आसीबो सेटा हबो हमर सिंगुलर एंड एठी ए नंबर ऑफ परे काहे के प्लुराल आसीला बिकॉज ए नंबर ऑफ अनुसार ए वर्ब टी आसी मींस ए नंबर ऑफ रो अर्थ होची मेनी बहुत गुडी ओके ट्राई करबा एटा ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैज पास्ड ए सेंटेंस ठीक अछि कि देखो मु एठी कोन कहली ए नंबर ऑफ परे कोन आसीओ नाउन प्लुराल ए नंबर ऑफ गर्ल्स ठीक अछि देन ए जो वर्ब टा मध्ये कोन हबो प्लुराल हबा दरकार ए नंबर ऑफ आसला माने वर्ब प्लुराल तो एठी हैज हबो कि हैज हबो नाही कोन हबो हैज होची सिंगुलर वर्ब मु कहली जेउ वर्ब रो लास्ट रे एस आसीबो सेटा सिंगुलर मु सहज उपायटा प्रीवियस वीडियो रे ऑलरेडी मु कहि सारि छी तो एठी ए नंबर ऑफ गर्ल्स कौन हम ये हेव हम जेहेतु यहाँ आम प्रेजेन्ट परफेक्ट टेन्स अच्छी ए नंबर ऑफ गर्ल्स हेव पास्ड हम यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे देन यहाँ ट्राई करवा द नंबर ऑफ ट्रेन्स आर इनक्रीजिंग ये सेंटेन्स ट्राई करवा ये सेंटेन्स कौन आम ठीक कर पारा जदि किसी रंग अच्छी ओके द नंबर ऑफ ट्रेन्स आर इनक्रीजिंग द नंबर ऑफ आसला द नंबर ऑफ आसला माने हम माइंड रे आसीबो तापर जे नाउन टी आसीबो प्लुराल आसीबो देखिबा द नंबर ऑफ ट्रेन्स ठीक अछि बट एहा परे जे वर्ब टी आसीबो सिंगुलर हबो तो एठी आर हे जाय जे प्लुराल एठी कोन हबो इज हबो द नंबर ऑफ ट्रेन्स इज इनक्रीजिंग जे इनक्रीजिंग टा कोन होय छे इज प्लस वर्ब आई एन जे मींस एटा हमर कंटिन्यू टेंस रे अछि प्रेजेंट रो एंड एही द होची गोटी एमिती एगो आर्टिकल जहार बहुत एटा गोटे डिटरमाइनर बा वर्ड फिक्सर अछि यार बहुत यूजेस अछि ठीक अछि एहा को नहीं आमे गोटे स्पेशल वीडियो करिवा ठीक अछि देन जे नेक्स्ट ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास ट्राई करिवा ए सेंटेंस रे एरर कोठी अछि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास ए नंबर ऑफ आसला माने कोन एटा मेनी सेंस रे इट मींस मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास रो अर्थ होची मेनी स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास देखो एटा जेहेतु प्लुराल अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट वर्ब कोन अछि प्लुराल ही रहइबो ठीक अछि तो वर्ब 1 रहछि ठीक अछि जदि थर्ड पर्सन सिंगुलर हेथांदा देन वर्ब रे हमें एस्किम बाय एस लगे सिंगुलर करथांदे दैट्स व्हाई ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास ठीक अछि क्लियर बुझियला ए नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ जोठी आसीबो सेठी हमें ए नंबर ऑफ परे हम माइंड रे एहा रहया दरकार जहाँ भी नाउन आसीबो ताहा प्लुराल हबो एंड एहा परे जे वर्बटा आसीबो ऑलवेज सही वर्बटा हमर प्लुराल रहइबो जदि द नंबर ऑफ आसला द नंबर ऑफ परे जे नाउन आसीबो सेइटा ऑलवेज प्लुराल हबो एंड एहा परे जे वर्बटी आसीबो नाउन प्लुराल हेले मध्ये द नंबर ऑफ पई वर्बटा सिंगुलर हेबो बुझियला देन जे कांसेप्ट 26 ओके 25 पजंत क्लियर देखो 26 देखिया 26 होजे Those is used before who as an antecedent. आमे who पूर्वरु आमे गोटे antecedent भावरे इट मीन्स गोटे पूर्व प्रत्यय भावरे आमे those को यूज करिपरिबा but they is not used as an antecedent of who किंबा गोटे सेंटेंस रो antecedent रे आमे independently they को आमे यूज करिबा नाही जदि they पूर्वरु कोनोसी सब्जेक्ट किंबा वर्ब आसु नाही सही समय रे आमे they को गोटे सिंगल गोटे एंटीसीडेंट भाव में गोटे सेंटेंस आम यूज करें ये मुझे लिखी देखिए बुझे सहज हम ठीक अच्छे
आम एक्जामपल्स कले जाणीहब मुझे कहीं ये कथा कहे गोटे पॉइंट मन रखा 25 आम कनसेप्ट 26 हूँ गोटे सेन्टेन्स जदि प्रथम ओके मुझा सिंपली भाषा कह ची सिंप्लीफाई कर गोटे सेन्टेन्स प्रथम डज आसूँ डज हु जब एमती गोटे आसूस देन से सेन्टेन्स ठीक अच्छे बट दे हु जदि दे पूर्व कौन सेन्टेन्स मीनस कौन सब्जेक्ट कि भव ना जदि दे आसी जाऊँगी देन से ही दे रंग अच्छे से कहला एंटीसीडेंट भाव में गोटे ग्रामार वर्ड यूज कर देख एग्जांपल थ्रू बुझीहब मु कौन कहवापी चाहूँगी डोज हु लिवस इन ग्लास हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स ये स्टोन्स प्लुराल हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो कही सारी मुझे यहाँ गोटे प्रभाव एंड गोटे प्रभाव आर अर्थ हूँ गोटे क्रिटिसाइज करवा ठीक नुह ठीक अच्छे से अलग जिनस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बुझी सारी तो यही वीडियो आम देखा डोज हु ये डोज आसला ठीक अच्छे ना रंग अच्छे ठीक अच्छे ना भूल अच्छे ये ठीक अच्छे यहाँ आम हु पूर्व इट मीनस गोटे एंटीसीडेंट भाव में आम यूज कर पारा डोज हु ठीक अच्छे डोज हु यह पूर्व सब्जेक्ट भव न रहिले चलो किसी असुविधा ना बट मुझे कहबी यही सेन्टेन्स टी दे हु लिव इन ग्लास हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स यही सेन्टेन्स टी रंग अच्छे बिकज ये दे को आम यही भाव में ये इंडिपेंडेंटली यूज कर पारा ना ये आम कौन करना जो दे को आम यही भाव में इंडिपेंडेंटली यूज करना कौन दे हु लिव इन ग्लास हाउस ओके शुड नॉट थ्रो स्टोन्स रंग ये कौन हम आम डोज हम अच्छा केते बेले देटा ठीक हम हु पूर्व गोटे एंटीसीडेंट भाव में ना जिते बड़े गोटे सब्जेक्ट आसो देन गोटे भर्ब आसो इट मीन इट इज दे हु हैव डन दिस जॉब इट मीन हु पूर्व गोटे एंटीसीडेंट भाव में दे आसला ठीक अच्छे इट इज दे माने कौन ये इट गोटे डमी सब्जेक्ट ये इट गोटे डमी सब्जेक्ट भाव यूज होन इट इज आसला गोटे सब्जेक्ट आसला देन गोटे भर्ब आसला देन ये दे आसला हु हूँ गोटे रिलेटिव प्रोनाउन यही दे जेहेतु प्लुराल प्लुराल हिसाब से ये प्लुराल भाव आसला ऑलरेडी कनसेप्ट आम देखी सारी इट इज दे तो ये आम गोटे एंटीसीडेंट भाव में आम यूज कर पारा बुझीगला इट इज दे हु हैव डन दिस जॉब हम यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे किसी असुविधा ना देख नेक्स्ट देखा यहीटा जब देखा इट इज दे हु कैम लेट हब टू अच्छे इट मीन यहाँ अच्छे फास्ट्र इनडेफिनेट टेन्स इट आसला इट हूँ आम गोटे सब्जेक्ट देन भव सब्जेक्ट भव आसगला मैंने यहाँ गोटे एंटीसीडेंट भाव में यूज हो पार दे आसला देन भव टू यही जो दे भवटा हूँ यहाँ हु हूँ गोटे रिलेटिव प्रोनाउन हु कापी आसी यही दे आसी ये डज हम ना इट इज दे हु कैम लेट हम यार करेक्ट आंसर तो 26 बुझला 26 मुझे फाइनाल यह कहना चाहूँगी गोटे सेन्टेन्स ररंभ में आम डोज यूज कर पारा एज एन एंटीसीडेंट ठीक अच्छे गोटे प्रत्यय गोटे पूर्व प्रत्यय भाव में गोटे इंडिपेंडेंटली आम डोज यूज कर पारा किंतु आम दे को यूज कर पारा ना जिते बड़े कौन सब्जेक्ट कि भव दे पूर्व आसूना गोटे रिलेटिव प्रोनाउन हु पूर्व यहाँ थी 26 कनसेप्ट एंड यही रिलेटेड आम किसी क्वेश्चन देखिले ठीक अच्छे देन देखिए आम कनसेप्ट 27 देख कनसेप्ट 27 कौन आम मेनी आसव देन यापर गोटे नाउन आसो अलवेज प्लुराल रेनी पर जो नाउन टी आसा अलवेज आम प्लुराल रंड प्लुराल नाउन अनुसार गोटे भर्ब आसव जेहेतु नाउन प्लुराल देन आम भर्ब प्लुराल हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड भर्ब एग्रीमेंट जेहेतु आम नाउन प्लुराल देन भर्ब कौन हम प्लुराल हम ठीक अच्छे एंड यही मेनी बदल एग्जाम ए ग्रेट मेनी ए गुड मेनी भी आसे यहाँ मन रखा यही जो मेनी बदल एग्जाम्स कौन हुए ए ग्रेट मेनी भी आसपार कि ए गुड मेनी भी आसपार ठीक अच्छे मन रहा मेनी देन यापर जो नाउन टी आसा अलवेज प्लुराल हम देन यापर जो भर्ब टी आसब टी प्लुराल हम एग्जाम्स कौन हुए मेनी बदल ओके इनस्टेंट अफ मेनी एग्जाम्स आम ए ग्रेट मेनी कि ए गुड मेनी आसी जाए यहाँ को आम ध्यान देवा ठीक अच्छे एग्जाम कौन हुए मेनी बदल ए ग्रेट मेनी कि ए गुड मेनी आसी जाए ओके बट एग्जाम जिते मेनी पर ए कि एन आसब ए कि एन आस गोटे डिटरमाइनर आर्टिकल आम कहीपर देन यापर जो नाउन टी आस
यहाँ हम आम सिंगुलर हम कहीं सिंगुलर हम मुझे यार लॉजिकटा ए एंड एन आम के यूज करती ए किंबा एन को आम के यूज करती ए किंबा एन को आम से यूज करती जिते बड़े गोटे सिंगुलर सेन्स एंड गोटे जेनेल सेन्स गोटे सेन्टेन्स आम यूज करवा नाउन जेहेतु सिंगुलर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ब टी कौन हम सिंगुलर ही हम ऑब्वियसली किसी डाउट नहीं जदि नाउन सिंगुलर हम यापर जो वर्ब टी आस वर्ब टी कौन हम सिंगुलर ही हम मेनी देन यापर जदि ए किंबा एन आसुची यापर जो नाउन टी आस नाउन टी सिंगुलर हम एंड यापर जो वर्ब टी आसुची वर्ब टी हम आम सिंगुलर बट जदि सिंपली मेनी आसला एवं यह पूर्व कौन सी ए किंबा एन आसुना इट मीनस कौन एटा गोटे जनरल सेन्स रे ना यहाँ गोटे मानने आम कहीपर गोटे सेन्स रे मानने गोटे यूनाइटेड सेन्स रे अच्छी तो ये कौन हम आम नाउन गोटे प्लुराल हम मेनी हूँ मेनी नाउन यहाँ गोटे यूनाइटेड सेन्स मेनी पर नाउन टी आस प्लुराल देन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो नाउन प्लुराल देन वर्ब कौन हम प्लुराल इट मीनस यहाँ गोटे सब्जेक्ट आकार में काम करुच्छे ओके अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मुझे कहार अर्थ हो सब्जेक्ट जदि प्लुराल हम देन वर्ब कौन हम प्लुराल हम जदि सब्जेक्ट सिंगुलर हम देन वर्ब सिंगुलर हम जहाँ आम प्रीवियस वीडियो रे ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी ओके बुझीगला देख तो यही दुईटा कनसेप्ट पूरा क्लीयर है देन आम किसी क्वेश्चन करवा देख ये कहगला मेनि स्टूडेंट्स प्लुराल आसला आर भेरी इंटेलिजेंट इन इंग्लीश ये सेन्टेन्स टी ठीक अच्छे ना भूल अच्छे ट्राए करवा मेनि स्टूडेंट्स आर भेरी इंटेलिजेंट इन इंग्लीश मेनी पर कौन आसो जो नाउन टी आस प्लुराल आस एंड जदि नाउन प्लुराल देन वर्ब प्लुराल हम आर भेरी इंटेलिजेंट इन इंग्लीश सेन्टेन्स टी आम पूरा पूरी भाव में ठीक अच्छे ओके मेनि स्टूडेंट इज भेरी इंटेलिजेंट इन इंग्लीश ये सेन्टेन्स टी ठीक अच्छे ना रंग अच्छे आम ट्राए करवा ट्राए कर ये खाली सेन्टेन्स टी टे मॉडिफाई कर मेनि स्टूडेंट इज मेनि स्टूडेंट इज भेरी इंटेलिजेंट इन इंग्लीश ये सेन्टेन्स टी ट्राए कर कौन रंग अच्छे देख जदि यहाँ सिंगुलर अच्छी मेनि स्टूडेंट जदि सिंगुलर अच्छी एंड यापर जो वर्ब टी सिंगुलर अच्छे इट मीनस ये कौन हम ये आम गोटे आर्टिकल यूज करवा मेनि ए हम ये कौन हम मेनि ए स्टूडेंट इज भेरी इंटेलिजेंट इन इंग्लीश हम ओके मेनि ए स्टूडेंट इज भेरी इंटेलिजेंट इन इंग्लीश ओके ठीक अच्छे देन देखा यहाँ मेनि ए सेलर हैव ड्रोनड इन द एक्सीडेंट नो एरर यही सेन्टेन्स एरर कौटे से ट्राए करवा मेनि ए सेलर हैव ओके मेनि ए सेलर आसला ना ए पर कौन हम यहाँ सिंगुलर देन मेनि ए सेलर यहाँ जदि सिंगुलर यापर जो वर्ब टी आसो कौन हम सिंगुलर हम तो ये कौन हम इट हुआ मेनी ए सेलर हैज ड्रोनड इन द एक्सीडेंट ओके ड्राउनड इन द एक्सीडेंट हम यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे देन जी नेक्स्ट यहाँ ट्राए करवा ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल नो एरर ओके मुझे सिंपली मेनी जगार आम कौन आस ग्रेट मेनी कि ए गुड मेनी आसीज देन यहाँ कौन हम आम प्लुराल नाउन ही रोक प्लुराल सब्जेक्ट रेन ठीक अच्छे ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन ओके डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल ये सेन्टेन्स टी आम ठीक अच्छे नो एरर हम ओके बुझीगला ये जो ए ग्रेट मेनी अर्थ कौन ग्रेट मेनी अर्थ हो मेनी ए ग्रेट मेनी जहाँ ओके ए गुड मेनी जहाँ मेनी अर्थ ता ओके देन मेनी पर कौन आसा प्लुराल सब्जेक्ट देन प्लुराल वर्ब हैव बीन डिक्लेयर्ड यहाँ आम प्रेजेन्ट पैसिव फॉर्मेट रे अच्छी परफेक्ट टेन्स ओके बुझीगला कनसेप्ट 27 देन जी आम कनसेप्ट 28 देख मेनी एंड मस ये दुईटा भितर डिफरेन्स ओके आराम से आम इट मीनस जहाँ भी कनसेप्ट अच्छे भल भाव बुझाप ट्राए करवा जमी आम किसी एग्जाम्स असुविधा हम ना देख मेनी एंड मस डिफरेन्स कौन मेनिटा सब गोटे प्लुराल काउंटेबल नाउन पे हम यूज करेनी ओके
मोस्ट सबुबले अनकाउंटेबल नाउन पर यूज करवा इट मीनस अनकाउंटेबल नाउन मीनस यापर जो भर्ब टी आसो अलवेज सिंगुलर ही रेहेतु यहाँ आम गणी पार प्लूराल काउंटेबल नाउन तो यापर जो नाउन टी आसो सीटा डिपेंड कर सिंगुलर कि प्लूराल उपरको नहीं तो जेहेतु यहाँ प्लूराल काउंटेबल नाउन हम तो यापर जो भर्ब टी आसो प्लूराल हम यह हूँ कनसेप्ट 28 बुझीगला मेनी परे जो प्लूराल काउंटेबल नाउन टी आसो से ही अनुसार आम भर्ब टी यूज करवा इट मीनस मेनी परे मेनी अर्थ प्लूराल यही प्लूराल अनुसार आम प्लूराल भर्ब यूज करवा मच अर्थ कौन अनकाउंटेबल एंड यही मच अनुसार आम जेहेतु मच गोटे अनकाउंटेबल सेन्स आसो ठीक अच्छे अनकाउंटेबल सेन्स आसवर यह मच गोटे आम जहाँ भर्ब सिंगुलर सेन्स यूज करवा ठीक अच्छे फाइनाली मुझे कहना चाहूँ ये मेनिटा गोटे काउंटेबल मच्टा हूँ गोटे अनकाउंटेबल ओके बुझीगला देख ये कहगला सी हाज मैंने पाखे अच्छी ठीक अच्छे मेनि हम ना मच हम बुक्स सी हाज एस बुक्स मेनि हम ना मच हम बुक्स को आम गणी पार कि असुविधा नहीं बुक्स को गणी पार सी हाज मेनि बुक्स हम सी हाज मेनि बुक्स यहाँ सी हाज डेस् मनी मेनि हम ना मच हम सी हाज डेस् मनी ये मेनि हम ना मच हम ट्राए करवा सी हाज डेस् मनी ये मनीटा को आम गणी पार ना बट आम रूपी जदि ये था गणी पारि था ठीक अच्छे तो ये मच हम ना सी हाज मेनि मनी सरी सर सरी मु रंग कहीदेली ये कौन हम ये जो मेनिटा जेहेतु आम गणी पार ना तो ये कौन हम आम हि हाज मच मनी यहाँ आम कौन हम हम ना बिकज मेनिटा आम गणी पार मच्टा आम जो गणी पार ना अनकाउंटेबल सेन्स आम यूज करते सी हाज मच मनी हम यार करेक्ट आंसर तो ये गोटे नोट हूँ आम मेनी इट मीन मनी आउ रूपी भितर डिफरेन्स कौन मनीटा हूँ सब वाले अनकाउंटेबल नाउन मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रूपीटा हूँ आम काउंटेबल नाउन ओके बुझीगला मनीटा हूँ आम कौन गोटे अनकाउंटेबल नाउन बट रूपीटा हूँ आम गोटे काउंटेबल नाउन यहाँ जमी आम मन रखा रूपी मान आम गणी पार मनी मीन आम गणी पार ना के टाँचा जमी देखिए आम कनसेप्ट 29 कनसेप्ट 29 हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट कनसेप्ट ओके अलरेडी 28 पर्यंत देखी सारी आई थिंक एव्रीथिंग क्लीयर अच्छे ओके देन जी आम कनसेप्ट 29 देखा देख एंड पूर्व फास्ट सब्जेक्ट आसो एंड एंड पर सेकेंड सब्जेक्ट आसो देन यापर जो भर्बटा हम प्लूराल हम ओके ये आम समस्ते जानते बिकज दुईटा सब्जेक्ट अच्छे मैंने कौन ये दुईज अच्छा जड़े थे सिंगुलर सब्जेक्ट दुईज थे प्लूराल सब्जेक्ट जदि सब्जेक्ट प्लूराल देन भर्बटा कौन हम आम सिंगुलर हम सरी भर्बटा प्लूराल हम ओके बट जदि फास्ट सब्जेक्ट पूर्व गोटे आर्टिकल आसीज आर्टिकल मीनस ए एन डी या भितर गोटे जदि आसीज एंड एंड आसला गोटे कंजक्शन देन सेकेंड सब्जेक्ट जदि आसो यापर जो भर्बटा आम यूज करवा अलवेज सिंगुलर यूज करवा यहाँ आम मन रखा यापर जो भर्बटी आम यूज करवा कौन करवा अलवेज सिंगुलर आम यूज करवा बुझीगला जदि फास्ट सब्जेक्ट पूर्व गोटे आर्टिकल आस सिमिलरली फास्ट सब्जेक्ट पूर्व गोटे आर्टिकल आसला एंड एंड आसला देन सेकेंड सब्जेक्ट पूर्व गोटे आर्टिकल आसला देन यापर जो भर्बटी आम यूज करवा सीटा हम आम प्लूराल यही तीनोटी कनसेप्ट मन रखा कौन दुईटा सब्जेक्ट आसला एंड एंड कंजक्शन द्वारा कनेक्ट होती देन भर्ब प्लूराल दुईटा सब्जेक्ट आसला एंड सिमिलरली एंड कंजक्शन द्वारा कनेक्ट होती बट प्रथम सब्जेक्ट मीन्स जेकोसी गोटे सब्जेक्ट पूर्व आर्टिकल आसगला देन से सिंगुलर भाव में कनसीडर हे ओके जदि एंड द्वारा एगेन दुईटा सब्जेक्ट कनेक्ट होती प्रथम सब्जेक्ट पूर्व आर्टिकल आसला एंड सेकेंड सब्जेक्ट पूर्व आर्टिकल आसला देन भर्बटी कौन हम आम प्लूराल हो देख क्वेश्चन देखा ये कहगला द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी ऑन लीव एम इज आई कौटा हम द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी ऑन लीव एम इज आर यहाँ भितर कौटा हम ट्राए करवा
एटी देख दा प्रिंसिपल माने ही प्रिंसिपल जीए एंड या पूर्व जेहेतु किसी स्पेसिफिक सेन्स रे आर्टिकल ना तो ये गोटे जनरल सेन्स प्रिंसिपल जीए सेक्रेटरी सी ओके इट मीन प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी जड़े व्यक्ति अटंती दैट्स व्हाई ये आम कौन करवा सिंगुलर यूज करवा द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज हम ये कौन हम इज हम इज ऑन लीव ओके देन देखा द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी ये कौन कहगला द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी ये प्रिंसिपल जी सेक्रेटरी सी बट ये प्रिंसिपल अलग एंड सेक्रेटरी अलग बिकज ये गोटे आर्टिकल आसीगला ये गोटे आर्टिकल द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी इट मीनस दुई जन अलग अलग पर्सन ओनली तो ये कौन हम आर हम ये कौन हम आम आर हम द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी आर ऑन लीव हम यार करेक्ट आंसर ओके देन जी नेक्स्ट ए ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग डैश प्लेइंग इन द फील्ड वाज हम ना वेयर हम ट्राए करवा ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग डैश प्लेइंग इन द फील्ड ये हम वाज हम ना वेयर हम ए ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग ये कौन हम आम ए आसीगला गोटे आर्टिकल इट मीन जो सेंटेंस रे एटा होचे हमर सब्जेक्ट वन पुणी थरे ए आसीगला इट मीन एटा होचे हमर सब्जेक्ट टू एंड कंजक्शन द्वारा कनेक्ट होइचे इट मीन प्लुराल सब्जेक्ट जेहेतु सब्जेक्ट प्लुराल तो ये भर्ब मध्ये कौन हम प्लुराल हम तो ये वाज हम ना कौन हम वेयर हम ए ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग वेयर प्लेइंग इन द फील्ड एटा होचे हमर पास्टर कंटिन्यू टेंस रे ठीक अछि पास्ट कंटिन्यूस बुझीगला हमर कनसेप्ट 29 ओके देन जीवा कनसेप्ट 30 देख कनसेप्ट 30 हूँ यह माई आसव दे माई पर कौन हम माई हूँ आम गोटे पजेसीव एडजेक्टिव गोटे प्रोनाउन रोटे पजेसीव एडजेक्टिव केस अच्छी से आगे देखा ठीक अच्छे तो माई हूँ आम गोटे पजेसीव एडजेक्टिव जदि आम माइंड रही माई हूँ गोटे प्रोनाउन देन दैट इज रॉन्ग ठीक अच्छे प्रोनाउन हेले यहाँ गोटे आट्रिब्यूट सेन्स यूज हुए यू आम कहते गोटे पजेसीव एडजेक्टिव माई पर अलवेज गोटे नाउन ही आसो ये गोटे नाउन आसला देन यापर जो भर्ब टी आस कौन यहाँ सिंगुलर हम ठीक अच्छे माई आसला देन यापर गोटे नाउन आस एंड आसला गोटे कंजक्शन पुणी थे गोटे माई आसला यापर गोटे कौन आस नाउन आस ओके सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू देन यापर जो भर्ब टी आसवेज प्लुराल हम बुझीगला ओके माई सिंपली गोटे नाउन देन गोटे भर्ब सिंगुला माई आसला बट गोटे कंजक्शन आसीगला एंड ओके जेहेतु दुईटा माई पर दुईटा नाउन आसला जेहेतु ये दुईटा सब्जेक्ट आम कनसीडर कले दैट इज भर्बा कौन हम प्लुराल हम क्लीअर देख ये कह माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैव हम ना हेज कम हम माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैव हम ना हेज हम कम ट्राए करवा माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर बेनिफैक्टर मान आम कहीपर दानकारी माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर ये देख माई सिंगल आसना माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर कौन हुए हेज हम ना हेब हम ये हम आम हेज हम कौन हम हेज यहाँ अच्छे आम प्रेजेन्टर परफेक्ट टेंस माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हेज मुझे ये जदि एंड पर माई आसूसी देन से भर्ब प्लुराल हम अदरवैज माई जदि खाली आसन भर्ब सिंगुलर हम माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हेज कम हम यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे बट ये कौन कहगला देख माई अंकल एंड गार्डियन डैश भेरी जेनेरियस डैश भेरी जेनेरियस आर इज या भितर कौटा हम माई अंकल एंड गार्डियन डैश भेरी जेनेरस आर इज एम या भितर कौटा हम देख माई आसला मानने जड़े जड़े रही माई मान मोर एमती सेन्स्रे तो ये कौन हम आम सिंगुलर सेन्स्रे इज हम आम करेक्ट माई अंकल एंड गार्डियन इज भेरी जेनेरस बट एटा ही जिते बड़े माई अंकल होगा सब्जेक्ट वन देन माई गार्डियन होगा सब्जेक्ट टू डैश भेरी जेनेरियस यहाँ हो कौन आर भेरी जेनेरियस ठीक अच्छे ये जेहेतु माई गोटे इट मीन गोटे नाउन सेन्स आसला जेहेतु गोटे नाउन सेन्स आसवा
ଫଳରେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ଆମର ସବଜେକ୍ଟଟିକୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାବରେ କନସିଡ଼ର କରିକି ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଭାବଟି ଆସିଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର କନସିଡ଼ର କରାଗଲା। ଏହାପରେ ଯେହେତୁ ମାଇ ଅଙ୍କଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାଇ ମାଇ ଦୁଇଟା ଆସିଲା, ଦୁଇଟା ପଜେସିଭ୍ ସେନ୍ସରେ ଆସିଲା, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଦୁଇଟା ନାଉନ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟରେ କନସିଡ଼ର କରାଗଲା। ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କନସିଡ଼ର କରାଗଲା ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଭାବଟି ଆସିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଲା, ମାଇ ଅଙ୍କଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଆର୍ ଭେରି ଜେନେରସ୍। ଓକେ, ଯାହା କନସେପ୍ଟ କହିଲି ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଯିବା କନସେପ୍ଟ 31। ଓକେ, କନସେପ୍ଟ 31 ହେଉଛି ଆମ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ପ୍ରନାଉନ୍। ଏଣ୍ଡ ଏହି ପ୍ରନାଉନ୍ରୁ ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ମାଇଣ୍ଡର ୟୁଜେସ୍ କ'ଣ, ମାନେ ଯେଉଁ ପଜେସିଭ୍ ପ୍ରନାଉନ୍ର ୟୁଜେସ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ କନସେପ୍ଟ 31 ଦେଖିବା, ପଜେସିଭ୍ ପ୍ରନାଉନ୍ର ୟୁଜେସ୍ କ'ଣ। ପ୍ରନାଉନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆସନ୍ତି? ଆଇ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ୱି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ। କ୍ଲିଅର? ଆଇ ହେଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଦେନ୍ ୱି ହେଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ। ଓକେ, ଆଇ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଦେନ୍ ୱି ଆସିବ ଆଇର ୱି ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ। ଆଣ୍ଡ ଆଇର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ହେଉଛି ମି, ୱିର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ହେଉଛି ଅଜ୍, ମାଇ ମାଇନ୍ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ପଜେସିଭ୍ କେସ୍। ସେହିଭଳି ୱିର ଅଜ୍, ଆୱାର ଆୱାର୍ସ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ପଜେସିଭ୍ କେସ୍, ଆଣ୍ଡ ଏହାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ କିଏ ଆମର? ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ହେଉଛି ୟୁ, ମାନେ ତୁମେ, ମୁଁ, ଆମ୍ଭେ, ତୁମେ। ଏହାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ହେଉଛି ୟୁ, ଆଣ୍ଡ ଏହାର ପଜେସିଭ୍ କେସ୍ ହେଉଛି ୟୁର ଆଣ୍ଡ ୟୁର୍ସ, ମାନେ ତୁମକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ତୁମର, ତୁମେ ତୁମକୁ ତୁମର। ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ରେ ହି ହେଉଛି ଆମର ମସ୍କୁନାଇନ୍, ସି ହେଉଛି ଫେମିନାଇନ୍, ହିମ୍ ହେଉଛି ହିର, ହିମ୍ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍, ହିଜ୍ ହିଜ୍, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପଜେସିଭ୍ କେସ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ସେନ୍ସରେ, ପଜେସିଭ୍ କେସ୍ ମାନେ ଅଧିକାର ସେନ୍ସରେ। ସେମିତି ସି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଫେମିନାଇନ୍, ଓକେ ଫେମିନାଇନ୍, ହର୍ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍, ହର୍ ଆଣ୍ଡ ହର୍ସ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ପଜେସିଭ୍ କେସ୍। ସେହିଭଳି ଦେ ମାନେ ସେମାନେ, ଦେମ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଦେଇର୍ ଆଣ୍ଡ ଦେଇର୍ସ ସେମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଜେସିଭ୍ କେସ୍। କ୍ଲିଅର? କେଉଁଟା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍, କେଉଁଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍, ଆଣ୍ଡ କେଉଁଟା ପଜେସିଭ୍ କେସ୍ କହିଦେଲି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର କେଉଁଟା କେଉଁଟା? ଆଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ଓକେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମେ ଯାହା ବି ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିବା ସିଙ୍ଗୁଲାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ୟୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ପ୍ଲୁରାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କନସିଡ଼ର କରନ୍ତି, ହି ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ସି ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇ ୟୁ ଇ ସି, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ୱାନ୍ ଯଦି ଲେଖିବି ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା ହେବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍। ଯଦି ମୁଁ ଟୁ ଲେଖୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ କହିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍। ଯଦି ମୁଁ ଥ୍ରୀ ଲେଖୁଛି ଏଇଟା ହେବ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍। ଓକେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ଲେଖିଲି ଏଇଟା କ'ଣ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଯିବ, ବିକଜ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବି, ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ୱାନ୍ ଲେଖିଲି, ମାନେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରଖିବା ଆମେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ଯଦି ମୁଁ ଟୁ କହିବି, ଓକେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖିବା ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ଲୁରାଲଟା ବି ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଇ, ଦେନ୍ ସରି, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ୱାନ୍, ଦେନ୍ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ର ସିଙ୍ଗୁଲାର। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଟୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବା ଦରକାର, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ର ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ୟୁ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଥ୍ରୀ ମିନ୍ସ ୱାଟ୍, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ର ସିଙ୍ଗୁଲାର, ମାନେ ହି ଆଣ୍ଡ ସି। କ୍ଲିଅର? ଏଇଠି କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା ପର୍ସନ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଏକା ସମୟରେ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ବା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆସିଯାଉଛି, ଦେନ୍ ତାହାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟି କେମିତି ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ କହିବା, ଦେନ୍ ସେଇଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର, ସିଙ୍ଗୁଲାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କହୁଛି, ଦେନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ ୱି, ମାନେ ଆଇ ମାନେ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ୱି ହେଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ, ଦେନ୍ ୱିକୁ ନେଇ ମୁଁ କହିବି, ସେଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ ସବୁବେଳେ ଟୁ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ହେବ, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଆସିବ, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଆସିବ, ଦେନ୍ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ କ'ଣ ହେବ, ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ ଅଲୱେଜ୍, ମାନେ ସିଙ୍ଗୁଲାରର କେସ୍କୁ ନେଇ କହୁଛି, ସିଙ୍ଗୁଲାର ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ, ଆଇ ୟୁ
ही सी एटी उई हबो नै किबा यू यू को आमे बोथ सेंस रे यूज करबा किबा एटी दे हबो नै सिंगुलर सिंगुलर माने एटी कन्फ्यूजन हबानी सिंगुलर प्रोनाउन जदि आमे गोटे कथा पॉजिटिव सेंस रे कहिबा सेही समय रे प्रथमे सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन देन हमर फर्स्ट पर्सन एंड एटा जेतेले नेगेटिव हे जियो यार अपोजिट हे जियो देन आमे कोन एटा भी सिंगुलर सेंस रे तो ए जो फर्स्ट पर्सन टिकु लास्ट रे थिला पॉजिटिव रे नेगेटिव कहिया समय आमे प्रथम गाड लबा देन एटा सेम टू सेम रहबो 2 3 ओके पॉजिटिव सेंस रे कहिया समय रे रूल टी होची हमर इट मींस कांसेप्ट टी होची 2 3 1 एंड सेटा नेगेटिव सेंस रे कहिया समय रे 1 2 3 ओके एंड यार लॉजिक कोन काहे के भी कहा गला बिकॉज जत्ते बेले भी किछ हम भलो कथा कहिबा ना सब बेले जे कहूची माने फर्स्ट पर्सन सब बेले निजो को लास्ट रे रखे एंड जत्ते बेले किछ भी नेगेटिव सेंस किछ भी अपराध क्राइम ओके एमिति किछ जदि कथा हम कहिबा सब बेले निजरो कथाटा को हम प्रथमे प्रेजेंट करब ओके ठीक अछि एटा स्पोंटेनियसली एमिति हुए हमर हमर नॉर्मल लाइफ रे एमिति हुए दैट्स व्हाई यहाँ को नहीं गोटे ग्रामर डेवलप कराई छि पॉजिटिव सेंस रे आसीले सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन देन फर्स्ट पर्सन जदि सेटा नेगेटिव सेंस रे आसीबो सेटा हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इट मींस पॉजिटिव सेंस रे फर्स्ट पर्सन टी लास्ट रे रहबो सेटा ही नेगेटिव सेंस रे कहिला समय रे सिंगुलर ठीक अछि सिंगुलर रे फर्स्ट पर्सन टी फर्स्ट आसीबो एंड 2 3 पर तो 2 पर तो 3 रहबो केवल 1 रही एक्सचेंज हे छि देखो बुझि हला पूरा कांसेप्ट कांसेप्ट 31 पूरा बुझिला ओके देखो एठी हम देखिबा ओके एही जो तीनोटी सेंटेंस होछ एही तीनोटी सेंटेंस हम ट्राई करियो यू मोहन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स ट्राई करियो आई सेंटेंस की यू मोहन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स एही सेंटेंस टी ठीक अच्छे ना भूल अच्छे इट मीनस मुझे चाहूँगी जहाँ मुझे प्रोनाउन अरेंजमेंट को नहीं यही प्रोनाउन अरेंजमेंट सब ठीक अच्छे ना भूल अच्छे यही सेंटेंस ट्राई करवा यू हूँ यू मोहन एंड आई आर गुड फ्रेंड इट मीनस यही सेंटेंस टी पॉजिटिव सेंस रे अच्छे ठीक अच्छे तुम्हें मोहन एवं मु भल सांग अटंती गुड फ्रेंड्स इट मीनस प्रथम आसला टू इट मीनस व्हाट मुझे सेकेंड पर्सन थ्री मीनस व्हाट थर्ड पर्सन ओके वन मीनस व्हाट फर्स्ट पर्सन यू मोहन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स सेंटेंस ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं देन ए सेंटेंस आई यू एंड सी मेड ए ब्लंडर ठीक अच्छे मेड ए ब्लंडर यहाँ कौन अच्छे नेगेटिव सेंस रे नेगेटिव सेंस रे अच्छी ए सेंटेंस टी अरेंजमेंट देखा प्रथम कौन कही फर्स्ट पर्सन आसो देन सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन इट मीन्स वन टू ये रूल अनुसार अच्छे कनसेप्ट अनुसार तो आई यू एंड सी मेड ए ब्लंडर क्लीयर है सब बेले गोटे पॉजिटिव सेन्स कह समय आम सेकेंड पर्सन पर थर्ड पर्सन देन फर्स्ट पर्सन को रखा जदि से ही सब बेले गोटे नेगेटिव सेन्स हम तापर आम सब फर्स्ट पर्सन रखा देन गोटे सेकेंड पर्सन देन थर्ड पर्सन टू थ्री वन टू थ्री मन रखा ठीक अच्छे एटा ट्राई करवा यू एंड हि कमिटेड ए सीन सीन माने पाप यू एंड हि कमिटेड ए सीन ए सेंटेंस ठीक अच्छे कि ठीक अच्छे बिकज यू हूँ कौन सेकेंड पर्सन हि हूँ कौन थर्ड पर्सन ये कौन नहीं फर्स्ट पर्सन ना टू थ्री अनुसार कौन अच्छे यहाँ नेगेटिव सेन्स टू पर थ्री आसो देन यही सेंटेंस टी ठीक अच्छे इट मीनस यही सेंटेंस को जदि आम मनरे प्रश्न उठू जदि गोटे सेंटेंस रे फर्स्ट पर्सन आसवनी कि जेकोसी भी गोटे पर्सन रबसेन्स रण कर देख मुझे जदि आमर वन टू थ्री फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन अच्छे नेगेटिव सेन्स जदि फर्स्ट पर्सन ना देन आम टू थ्री रखा जदि सेकेंड पर्सन ना देन वन थ्री रखा जदि थर्ड पर्सन ना देन आम वन टू रखा टू थ्री वन यहाँ हूँ पॉजिटिव सेन्स यहाँ हूँ नेगेटिव सेन्स यहाँ हूँ पॉजिटिव सेन्स ये जदि सेकेंड पर्सन ना थ्री पर वन रखा ओके ये जदि आमर थर्ड पर्सन ना टू पर वन रखा सेकेंड पर्सन पर फर्स्ट पर्सन रखा ये जदि आमर फर्स्ट पर्सन ना सेकेंड पर्सन पर थर्ड पर्सन रखा एनसी कनफ्यूज हबार रिजन ही ना बुझीगला देन जी नेक्स्ट देख यही जो कनसेप्ट देखिले बर्तमान आम कनसेप्ट 31 रही गोटे कनसेप्ट इट मीन सब कनसेप्ट हूँ जदि
ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଜେସିଭ୍ କେସ୍ ଆସିଯିବ। ଏଇଠି ତ ପ୍ରନାଉନ୍ ଆସିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଏହି ପ୍ରନାଉନ୍ର ଗୋଟେ ପଜେସିଭ୍ କେସ୍ ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ଆମେ କାହାର ପଜେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପଜେସିଭ୍ ମିନ୍ସ ସେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ସେନ୍ସଟି ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେମିତି ମାଇ କାର୍, କାର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ନାଉନ୍, ନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମାଇ ଆସୁଛି ମାନେ ମୋର କାର୍, ଏଇ କାର୍ର ଅଧିକାର ମୁଁ, ଏଇ କାର୍ର ଅନର୍ ହେଉଛି ମୁଁ, ମାଇ କାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଏଇଠି ୟୁ ଆସିବ, ହି ଆସିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଆସିବ। ଏହି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପର୍ସନ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପଜେସନ୍ ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ପଜେସିଭ୍ କେସ୍, ଦେନ୍ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ନା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍, କେଉଁ ପର୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଜେସନ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏହାର ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରିକ୍ଟିଏ କହୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା। ଦେଖ, ଯଦି ପଜେସିଭ୍ କେସ୍ ଆସେ ଦେନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ପର୍ସନ୍ର ଉପର ପର୍ସନ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ୍ର ପଜେସିଭ୍ କେସ୍ ହେବ। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପର୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଭିତରେ କିଏ ଉପରେ ଆସିବ, ମାନେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଆସିବ, ତ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ୍ କିଏ, ଉଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଉଇର ପଜେସିଭ୍ କେସ୍ ହେବ। ଟିକେ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଓକେ ମେ ବି ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ନା ଆରାମସେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ପୁରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖ, ମୁଁ ବ୍ରିଫ୍ଲି କହିଦେଉଛି, ମନେକର ଏଇଠି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଅଛି, 3-2 ଆସିଲା, ଓକେ। ଏଇଠି ଏହାପରେ ଯେଉଁ ପଜେସିଭ୍ କେସ୍ଟି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସେ, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଆସେ। ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ୍, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ୟୁ ହେଉଛି ୟୁର, ୟୁ ହଁ ପ୍ଲୁରାଲ୍, ଦେନ୍ ଏହି ୟୁର ପଜେସିଭ୍ କେସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲୁରାଲ୍ର ପଜେସିଭ୍ କେସ୍ଟି ଆମର ୟୁଜ୍ ହେବ, ଏଇଠି ହେବ କ'ଣ, ୟୁ। ଏଇଠି ଯଦି ୱାନ୍ ଯଦି ଟୁ ରହିବ, ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଅଛି, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଅଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପର୍ସନ୍ର ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିବ, ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ଓକେ ଆରାମସେ ବୁଝିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଆସିଲା ଆଣ୍ଡ ଏହି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ୍କୁ ଯିବା ଆମେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ୍ କିଏ, ଉଇ, ଆଣ୍ଡ ଏହି ଉଇର ପଜେସିଭ୍ କେସ୍ କ'ଣ ହେବ, ଉଇ, ଉଇର ଅଜ୍, ଅଜ୍ର ଆୱାର, ଅଜ୍ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍, ଆୱାର ହେଉଛି ଆମର ପଜେସିଭ୍ କେସ୍, ଅଜ୍ର ପଜେସିଭ୍ କେସ୍ଟି ଏଇଠି ଆମର ହେବ। ଯଦି ପଜେସିଭ୍ କେସ୍ ଆସେ ଦେନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ପର୍ସନ୍ର ଉପର ପର୍ସନ୍, ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଦୁଇଟି ପର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସେ, ସେହି ପର୍ସନ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହି ପର୍ସନ୍ର ଅନୁସାରେ ତା, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ସେହି ପର୍ସନ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ୍ର, ସେହି ପର୍ସନ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ୍ର ଅନୁସାରେ ପଜେସିଭ୍ କେସ୍ଟି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥ୍ରୋରୁ ବୁଝିପାରିବା। ଦେଖ, ରାମ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଡନ୍ ଆୱାର ଜବ୍, ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି ଟ୍ରାଏ କରିବା। ରାମ ଆଣ୍ଡ ଆଇ, ରାମ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିବ, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଆସେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଆସେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଆସେ, ତ ଏଠି ଆମେ ଆଇ ହେଉଛି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ଦେନ୍ ଆଇର ପ୍ଲୁରାଲ୍ କ'ଣ, ଉଇ, ଆଇର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଉଛି ଉଇ, ଦେନ୍ ଏହି ଉଇର, ଉଇର ପଜେସିଭ୍ କେସ୍ କ'ଣ ହେବ, ଆୱାର ହେବ, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର, ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେନ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ହି ହ୍ୟାଭ୍ ଡନ୍ ୟୁଅର୍ ଜବ୍, ୟୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍, ହି ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍, କାହା ପରେ କିଏ ଆସେ, ପ୍ରଥମେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ୍ କ'ଣ, ୟୁର, ୟୁ ହିଁ ପ୍ଲୁରାଲ୍, ଦେନ୍ ଏହାର ପଜେସିଭ୍ କେସ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ୟୁଅର୍ ହେବ, ବୁଝିହେଲା, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ସବ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଏହାର, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି କେସ୍ଟି ଆମର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଥିଲା। ଦେଖ, ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁଯାକ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସିଙ୍ଗୁଲାର କହିଥିଲି, ମାନେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସିଙ୍ଗୁଲାର ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଠି ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ କରିଛି, ଆଇ, ୟୁ, ସି, ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଆସିଯିବ, ମାନେ ଉଇ ଆସିଯିବ କିମ୍ବା ଦେ ଆସିଯିବ, ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ଆମେ ପଜିସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଦେଖ ମୁଁ ତାହା କହୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ସବ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ହେଉଛି, ଇଫ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ କେସ୍ଟି ଆମର ଯଦି, ଇଫ୍ ଯଦି ସେଇ କେସ୍ଟି ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେବ, ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପଜିଟିଭ୍ ହେଉ, ଅଲୱେଜ୍ କ'ଣ ରଖିବା ଆମେ, 1, 2, 3 ରଖିବା, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ୱାନ୍ ମିନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, 2 ମିନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ 3 ମିନ୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍, କ୍ଲିଅର। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ୍ କେସ୍ ମାନେ ଉଇ କିମ୍ବା ଦେ ଯଦି ଆସିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଇ କିମ୍ବା ଦେ ଯଦି ଆସିଗଲା, ଦେନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 1, 2, 3 ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ରଖିବା, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍, ଦାଟ୍ ମେ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଅର୍ ନେଗେଟିଭ୍, ଓକେ। ଏଇଠି କିଛି ଡିପେଣ୍ଡସ୍ କରୁନି, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ସେଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ହେବ କି ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ, ବଟ୍ ଯଦି ସେଇଟା ଆମର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହୋଇଗଲା, ଦେନ୍ ଅଲୱେଜ୍ 1, 2, 3।
देख ये कहगला वी दे एंड यू कैन परचेस दैट टाइम यहाँ कौन प्लुराल अच्छे ना वी दे एंड यू कैन परचेस दैट टाइम आई र्लुराल हूँ वी ठीक अच्छे देन कौन हम वन आसला बट ये कौन हम यहाँ इंटरचेज हम वी देन हम यू हम यहाँ हम देन यहाँ यूज हम वी यू दे कैन परचेस दैट टाइम हम यार करेक्ट आंसर बुझीगला वी हम देन यू हम देन आम दे यूज करा बिकज वन टू थ्री रूल कहली मुझे थे बारंबार कह बारंबार कहवा द्वारा ठीक अच्छे आपण मान माइंड से मैंने एंटर कर दरकार मानते रही जावा दरकार से बारंबार गोटे कथा को दोहराउँ वी यू एंड दे कैन परचेस दैट टाइम हम यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे बिकज ये प्लुराल केस रहा नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो देन यही सेंटेन्स देखा आई एंड मनिका विल गो टुगेदर यही सेंटेन्स ठीक अच्छे ना भूल अच्छे आई एंड मनिका विल गो टुगेदर ओके देख यही सेंटेन्स पॉजिटिव सेन्स जदि पॉजिटिव सेन्स प्रथम प्रथम कौन आस थर्ड पर्सन प्रथम सेकेंड पर्सन टू थ्री रूल फॉलो कर मुझे जदि टू थ्री रूल रे इट मीन ये जो सेकेंड पर्सन ना देन थ्री पर वन हम इट मीन प्रथम मनिका आसो देन आई आसो इंटरचेज हम मनिका एंड आई विल गो टुगेदर हम यार करेक्ट आंसर बुझीगला मनिका एंड आई विल गो टुगेदर हम यार करेक्ट आंसर कहीं आम सिंगुलर रे अच्छी एंड यहाँ आमर प्लुराल अच्छे प्लुराल थी अलवेज वन टू थ्री हम बट जो से सिंगुलर हो जाए देन टू थ्री वन टू थ्री रूल फॉलो कर गोटे पॉजिटिव सेन्स गोटे नेगेटिव सेन्स देन यहाँ यू एंड ही हैव कंप्लीटेड हिज योर होमवर्क यही सेंटेन्स कौटी एरर ट्राए करवा यू एंड ही हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क यहाँ कौन आम गोटे पॉजिटिव सेन्स ओके जेहेतु यहाँ गोटे पॉजिटिव सेन्स ट्राए करवा ठीक अच्छे कह आंसर कह ट्राए करवा यू एंड ही हैव कंप्लीटेड ये हिज हम ना ये योर हम ट्राए करवा देख यू एंड ही भितर प्रथम किए आसू प्रथम यू आसू सेकेंड पर्सन र्लुराल कौन यूरो यू प्लुराल एंड से ही प्लुराल पजेसीव केस कौन हम युअर हम यू एंड ही हैव कंप्लीटेड योर हम ये करेक्ट आंसर योर होमवर्क ये हिज हम ना ओके मुझा भी कहीदेली ठीक अच्छे सब वाले ओके पूरा मानने सब जगह मानते कनक्लूजन गोटे कथा कहीदी वन टू थ्री रूल तो आम बुझीगले देन जदि प्लुराल आसा आमर सब वन टू थ्री हम जो से सिंगुलर आसान टू थ्री सब गोटे नेगेटिव टू थ्री वन सब पॉजिटिव बट आमर ये गोटे आम मनरे गोटे डाउट आसपे जो आम जो पॉजिटिव केसटा आसो केत यूज करवा पॉजिटिव केसटा आम से यूज करवा जितेबले अर्डर देखा ये देख यू अच्छी ही अच्छी मानते प्रथम क्यों पर्सन आस फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन इट मीन सेकेंड पर्सन पर थर्ड पर्सन आसो थर्ड पर्सन रिसी काम ना फास्ट ये सेकेंड पर्सन को देख यही सेन्टेन्स कौच ये सेकेंड पर्सन र्लुराल करदे प्लुराल मैंने कौन यू रू ही तो हम प्लुराल ठीक अच्छे यू रू जो प्लुराल हम एंड यू रुसार कौन हम ये पॉजिटिव केस टी आस क्लीअर ओके कनसेप्ट 32 देख मुझे जो कही माइंड रूजेस कौन आवास यूजेस कौन युअर्स यूजेस कौन सब्जेक्ट भव अब्जेक्ट रे गोटे सेन्टेन्स ये क्योंकि यूज करवा आम कनसेप्ट 32 रे देखा ठीक अच्छे देख देख यमर कनसेप्ट आम कनसेप्ट 32 हूँ सब्जेक्टिव केस देन पॉजेसिव एडजेक्टिव देन पॉजेसिव प्रोनाउन आई हूँ आमर गोटे सब्जेक्टिव केस एंड यार पॉजेसिव एडजेक्टिव जहाँ को आम प्रोनाउन बोली कहते ठीक अच्छे यहाँ हम माई देन यार पॉजेसिव प्रोनाउन हूँ माई से भाई वी मैंने आम्भे आवर आवर्स मान सब एस लगी जाए यू योर इयर्स हिज हिज सी ओके यहाँ हूँ फेमिनाइन हर हर्स देर एंड देर्स क्लियर बुझीगला यहाँ हूँ
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ପଜେସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଏହି ସବୁ ପରେ ଅଲୱେଜ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଆସିବ, ନାଉନ୍ ଆସିବ ମାନେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନାଉନ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍, ଯାହା ଗୋଟେ ନାଉନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବ। ବଟ୍ ଏହାପରେ ଏହାପରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଆସିବ, ଆଣ୍ଡ ମାଇ ପ୍ଲସ୍ ନାଉନ୍କୁ ଏଡ଼୍ କଲେ ଆମେ ପାଇବା ମାଇନ୍, ଆୱାର୍ ପ୍ଲସ୍ ନାଉନ୍କୁ ଏଡ଼୍ କଲେ ଆମେ ପାଇବା ଆୱାର୍ସ, ୟୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ନାଉନ୍କୁ ଏଡ଼୍ କଲେ ଆମେ ପାଇବା ୟୋର୍ସ, ହିଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ନାଉନ୍କୁ ଆମେ ଏଡ଼୍ କଲେ ପାଇବା ହିଜ୍, ହର୍ ପ୍ଲସ୍ ନାଉନ୍କୁ ଆମେ ଏଡ଼୍ କଲେ ପାଇବା ହର୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ପ୍ଲସ୍ ନାଉନ୍କୁ ଆମେ ଏଡ଼୍ କଲେ ପାଇବା ଦେର୍ସ। କ୍ଲିୟର୍? ବୁଝିହେଇଗଲା କନସେପ୍ଟ? ଓକେ, ମାଇନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାଇନ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଆସିଯିବ, ଆୱାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଆସିଗଲେ ଆୱାର୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱି ୟୁ ହି ସି ଦେ ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବଜେକ୍ଟର ଜାଗାରେ ଆସ ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବଜେକ୍ଟର ଜାଗାରେ ଆସନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ନାଉନ୍, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା ମାଇନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇ ପ୍ଲସ୍ ନାଉନ୍, ତ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପଜେସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ଟିକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ସବଜେକ୍ଟର ଜାଗାରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟର ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ହେଇଗଲା ନା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟର ଜାଗାରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟର ଜାଗାରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ନାଉନ୍ ହେଇଗଲା। କ୍ଲିୟର୍? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏଇଠି କୁହାଗଲା, ମୁଁ କହିବି ମାଇ ଫାଦର ଲେଖିଛି ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ମାଇ ଫାଦର, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ମାଇ ଫାଦର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ବୁଝିହେଉଛି, ଫାଦର ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଉନ୍, ଆଣ୍ଡ ଏହି ନାଉନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା? ମାଇ ଆସିଲା। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ମାଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଜେସିଭ୍ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ, ଯାହାକି ଫାଦରର ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍, ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମୋର ବାପା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍, ଗୋଟେ ପଜେସିଭ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଶୋ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଇଠି କହିଲି ଏହାପରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଆସିବ, ହି ଇଜ୍ ମାଇ ଫାଦର, ଠିକ୍ ଅଛି, ହି ଇଜ୍ ମାଇ ଫାଦର। ଓକେ, ଯଦି ମୁଁ ହି ଇଜ୍ ମାଇ ଫାଦର ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟିକୁ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ହି ଇଜ୍ ମାଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଠିକ୍ ହେବ ନା ହି ଇଜ୍ ମାଇନ୍ ଠିକ୍ ହେବ? ଟ୍ରାଏ କରିବା। ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି କହିବି ହି ଇଜ୍ ମାଇ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଠିକ୍ ହେବ କି? ସେଣ୍ଟେନ୍ସର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିନିଂ ବୁଝି ହେଉଛି କି? ସେଣ୍ଟେନ୍ସର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିନିଂ ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଠି ହି ଇଜ୍ ମାଇ ରଙ୍ଗ ହେବ। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଆସିଯିବ, ଦେନ୍ ଏହି ମାଇ ପ୍ଲସ୍ ମାଇ, ଏଇ ମାଇ ପ୍ଲସ୍ ନାଉନ୍, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ମାଇ ପ୍ଲସ୍ ଫାଦରକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ପାଇଯିବା ହି ଇଜ୍ ମାଇନ୍, ହି ଇଜ୍ ମାଇନ୍ ମିନ୍ସ ୱାଟ୍? ମାଇ ଫାଦର, ବୁଝିହେଲା? ହି ଇଜ୍ ମାଇନ୍, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଜ୍ ଅ ମାଇନ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟର ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ମାଇ ପ୍ଲସ୍ ନାଉନ୍ କ'ଣ ହେବ? ମାଇନ୍, ଆୱାର୍ ପ୍ଲସ୍ ନାଉନ୍ ହେବ ଆୱାର୍ସ, ୟୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ନାଉନ୍ କ'ଣ ହେବ ୟୋର୍ସ, ହର୍ ପ୍ଲସ୍ ନାଉନ୍ କ'ଣ ହେବ ହର୍ସ, ଦେର୍ ପ୍ଲସ୍ ନାଉନ୍ କ'ଣ ହେବ ଦେର୍ସ। ଓକେ, ପୁରା ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପଜେସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍, ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ପଜେସିଭ୍ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍। କ୍ଲିୟର୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପଜେସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପଜେସିଭ୍ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍? ଓକେ, ବୁଝିହେଲା? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କହିବି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବାଇକ୍, ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଠିକ୍ ଅଛି କି? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବାଇକ୍, ଅବଭିଅସ୍ଲି, କାହିଁକିନା ଦିସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍, ଏହାର ବି କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବାଇକ୍, ଏଇଠି ବାଇକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନାଉନ୍, ଆଣ୍ଡ ଏଇ ନାଉନ୍ ପାଇଁ ଏଇଠି ଆସିଲା କ'ଣ? ମାଇ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବାଇକ୍, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଜେସନ୍ ସେନ୍ସରେ କହୁଛି, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଏହି ବାଇକ୍ର ଓନର୍ ହେଉଛି ମୁଁ। ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବାଇକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦିସ୍ ବାଇକ୍ ଇଜ୍ ମାଇନ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦିସ୍ ବାଇକ୍ ଇଜ୍ ମାଇନ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଠିକ୍ ଅଛି କି? ଅବଭିଅସ୍ଲି, ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିସ୍ ବାଇକ୍ ଇଜ୍ ମାଇନ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବାଇକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଇନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ମାଇ ପ୍ଲସ୍ ବାଇକ୍, ମାଇ ପ୍ଲସ୍ ବାଇକ୍ ଏଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପଜେସିଭ୍ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଏଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ଆମର ମାଇନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିସ୍ ବାଇକ୍ ଇଜ୍ ମାଇନ୍ ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ବାଇକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ବାଇକ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ୟୋର୍ ଆସିଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ବାଇକ୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇନ୍, ଏହି ମାଇନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ମାଇନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୟୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ବାଇକ୍, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ମାଇ ପ୍ଲସ୍ ବାଇକ୍,
माई प्लस बाइक एड हो जाए कौन माइन हो जाए योर्स इज न्यू बाइक आम कहीपर योर्स इज न्यू बाइक ओके योर्स अर्थ कौन योर्स हूँ गोटे पजेसीव प्रोनाउन एंड योर्स इज न्यू बाइक अर्थ कौन योर बाइक आम ये सेंटेन्स टी एमती भी कहींपर योर बाइक इज न्यू योर बाइक इज न्यू आम कहींपर ओके ठीक अच्छे बुझीगला योर्स यहाँ कहीं सब्जेक्ट जगह आसला मुझे से यहाँ सब्जेक्ट किंवा ऑब्जेक्ट जगह आम रखिपर ओके योर्स माने कौन योर बाइक इज न्यू ये बाइक रो आवश्यकता ना आई प्रिफर योर टू हर ये सेंटेन्स टी ठीक अच्छे कि आई प्रिफर पर टू आसी यहाँ आम देखी प्रिफर पर टू आस आई प्रिफर योर टू हर आई प्रिफर योर एंड टू हर ठीक होता बट ये एंड आम यूज कर ये आम एंड यूज करवा ना ये आम रिलेट करवा मुझे जहाँ कहली आई प्रिफर योर टू हर ये हर हम कि कौन हम हर्स हम आई प्रिफर जदि मुझे कह आई प्रिफर टी इट मीनस कौन हर मान कौन यहाँ भी गोटे 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 पजेसीव प्रोनाउन एंड गोटे नाउन इट मीनस गोटे पजेसीव एडजेक्टिव गोटे नाउन सेन्स आसो ये कौन हम आई प्रिफर योर एंड टू हर्स हम यार करेक्ट आंसर बुझीगला किसी असुविधा ना ओके पूरा कनसेप्ट 32 पूरा क्लियर देन जी नेक्स्ट कनसेप्ट नेक्स्ट कनसेप्ट नेक्स्ट कनसेप्ट हूँ कनसेप्ट 33 ओके आमर कनसेप्ट 33 कौन कौन देखा कनसेप्ट 33 हूँ हु एवं हुम यूजेस यही दुईटा हूँ आम रिलेटिव प्रोनाउन हु एवं हुम यूजेस देखा आराम से देखा हु एवं हुम यूजेस हुटा केत यूज करवा एंड हुमटा केत यूज करवा गोटे रिलेटिव प्रोनाउन रे एंड ये मुझे गोटे ट्रिक कह ट्रिक जदि जो मैंने भी बुझीपुर नहांती देन यही ट्रिक टी फॉलो करवा ट्रिक फॉलो करी जिते बड़ सेंटेंस हो ना कहीं जदि से सेंटेंस मीनिंग भी बुझे देन आम आराम से हु एंड हुम यूज कर पारा से ट्रिक टी मुझे कहि तो स्टार्ट करवा कनसेप्ट 32 पर्यंत क्लियर किसी असुविधा ना ओके देख हुर केतूज हम हुर केतूज हम ना हु गोटे सब्जेक्टिव केस यूज हुए हुटा केत यूज हम हु गोटे आमर सब्जेक्टिव केस यूज हम एंड हुम सब गोटे ऑब्जेक्टिव केस यूज हम क्लियर हुटा सब्जेक्टिव केस यूज हम हुमटा ऑब्जेक्टिव केस यूज हम तो ये गोटे प्रश्न हूँ एमती कहीं हूँटा कहीं सब्जेक्टिव केस यूज होंड हुमटा कहीं ऑब्जेक्टिव केस यूज हो न्यू हर यहाँ आम एक्टिव वॉइस रे अच्छी हु न्यू हर यहाँ जब एग्जाम आसे यहाँ पेसिव करा केमी हम हु मान कौन हु न्यू हर यहाँ कौन अच्छे आम एक्टिव वॉइस रे अच्छी यहाँ जब आम पेसिव करवा कौन हो टू हुम वाज सी नोस To whom was she knows? ठीक अच्छे Who taught you? यहाँ अच्छे कौन आम एक्टिव वॉइस रे यहाँ जब पेसिव करिया By whom were you taught? By whom were you taught? यहाँ हूँ पेसिव फॉर्म इट मीनस ये जो टू आसला एंड बै आसला ये दुईटा कौन गोटे गोटे प्रिपोजिशन एंड मुझे अलरेडी प्रिपोजिशन पर कौन आस सब बेले गोटे ऑब्जेक्टिव केस आसो प्रिपोजिशन पर जेहेतु सब गोटे ऑब्जेक्टिव केस गोटे नाउन आसपार कि नाउन बदल में गोटे प्रोनाउन आसपार कि गोटे भर बैंज आसपार मुझे गोटे जेरन केस रे इट मीनस प्रिपोजिशन पर जहाँ आसटा को आम ऑब्जेक्टिव केस कहती जेहेतु ये एक्टिव वॉइस टी आम पेसिव करिया द्वारा प्रिपोजिशन हु आसला सब्जेक्टिव केस रे जिते बेलेटा को आम पेसिव करदे यापर आसगला कौन आम हुम आसीगला यहाँ होगा ऑब्जेक्टिव केस प्रिपोजिशन पर ऑब्जेक्टिव केस प्रिपोजिशन पर ऑब्जेक्टिव केस दैट्स व्हाई कहगला हुम केते यूज हम गोटे ऑब्जेक्टिव केस रे सब्जेक्ट प्लस भर प्लस ऑब्जेक्ट भर पूर्वर जहाँ आसो दैट इज सब्जेक्टिव केस एंड भर पर जहाँ आसो दैट इज ऑब्जेक्टिव केस मन रहा हुटा सब सब्जेक्टिव केस एंड हुमटा सब ऑब्जेक्टिव केस एंड ट्रिक हूँ हाँ जदि सेंटेंस रे ना गोटे सेंटेंस रे आमे हु एंड हुम रो यूजेस करी पारु नहांती देन मु से ट्रिक टी कहूँ ए दुईटा सेंटेंस पर मे आई नो टू हु
आई एम स्पीकिंग नो एरर ये सेंटेन्स टी ट्राए करवा कौट एरर अच्छे ओके यही सेंटेन्स टी ट्राए करवा मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग नो एरर ये देख मे आई नो टू आसीगला ना टू कौन हो गए टू हूँ आम गोटे प्रिपोजिशन पर कौन आस ऑब्जेक्टिव केस तो हूटा सब्जेक्टिव केस आसे ये कौन हम हूम हम ओके मे आई नो टू हूम आई एम स्पीकिंग हम यार करेक्ट आंसर मे आई नो टू हूम आई एम स्पीकिंग हम यार करेक्ट आंसर बुझीगला बिकज टू पर ये कौन आसमर ऑब्जेक्टिव केस आस द टीचर डेज आई मीट टुडे वाज राम्स ब्रदर हु हम ना हूम हम द टीचर डेज आई मेट मीट नु आई मेट टुडे वाज राम्स ब्रदर ये हु हम ना वाज हूम हम द टीचर ये कौन सब्जेक्टिव केस रे अच्छे ना ऑब्जेक्टिव केस रे अच्छे ये कौन हम द टीचर हूम आई मीट टुडे वाज राम्स ब्रदर ओके बुझीगला यहाँ कौन आसा आमर ये जेहतु गोटे सब्जेक्ट आसी तो ये रिलेटिव सेन्स कौन ये सब्जेक्ट तो आसवनि ऑब्वियसली गोटे द टीचर हूम आई मेट टुडे वाज राम्स ब्रदर हम यार करेक्ट आंसर देन ट्रिकटा हूँ सब आम भर्ब काउंट करवा एंड जदि आम गोटे भर्ब पाइबा गोटे सब्जेक्ट हम जब आम दुईटा भर्ब पाइबा देन दुईटा सब्जेक्ट हम भर्ब काउंट करवा से काउंट अनुसार आम सब्जेक्ट यूज करवा जदि भर्ब रे एंड सब्जेक्ट समान अच्छी देन किसी असुविधा नहीं जदि भर्ब पाई ऑब्जेक्ट कौन हम जदि भर्ब समान ना तो आम ऑब्जेक्ट यूज करवा जदि भर्ब समान पाई जदि सब्जेक्ट आवश्यक पड़ा देन आम हु यूज करवा इट मीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस रही कथी हो ठीक अच्छे जहाँकि आमर सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट को नहीं होती जदि बुझी होनी मुझे बुझीजी ये देख मुझे कौन ये गोटे सेंटेन्स हो The teacher yes came here was Ram's brother. यही सेंटेन्स हु हम ना हूम हम जब जाणी होटा सब्जेक्टिव केस हूमटा ऑब्जेक्टिव केस हाबापे जाणी होनी ताल ये सब्जेक्ट काउंट कर प्रथम भर्ब काउंट कर केम हूँ गोटे भर्ब गोटे भर्ब ओके वाज हूँ आ गोटे भर्ब वाज हूँ आ गोटे भर्ब अच्छा देन भर्ब काउंट सरला देन आम सब्जेक्ट काउंट करिया ये टीचर हूँ कौन गोटे सब्जेक्ट माने गोटे भर्ब गोटे सब्जेक्ट हो गला यही जो वाज पाई कौन दरकार आ गोटे सब्जेक्ट दरकार ओके आ गोटे सब्जेक्ट दरकार तो ये कौन हम आ गोटे सब्जेक्ट हम अच्छा सब्जेक्ट जदि हम किए सब्जेक्टिव केस आसो ना ऑब्जेक्टिव केस आसो हु आसो तो ये आम हु हम करेक्ट हु हम कौन आम करेक्ट आंसर हूर अर्थ कौन हूर अर्थ हूँ ओडिया जीए हूम अर्थ हूँ जहाँ ठीक अच्छे हूर अर्थ हूँ जीए एंड हूम अर्थ कौन हूम अर्थ हूँ जहाँ बुझीगला हूर अर्थ कौन हम आम हूर अर्थ हूँ जीए एंड हूम अर्थ हूँ जहाँ आम यूज करती ओके क्लीअर बुझीगला यहाँ मुझे केमी कली ट्रिक्रे मुझे प्रथम कौन कली भर्ब काउंट कली देखिली भर्ब कौन अच्छी गोटे भर्ब अच्छी देन देखिली सब्जेक्ट केतटा अच्छे सब्जेक्ट गोटे अच्छे सरी दुईटा भर्ब अच्छी देखिली सब्जेक्ट गोटे अच्छे अच्छा दुईटा भर्ब जदि आसो दुईटा सब्जेक्ट हवा कथा कि नुह हवा कथा देन कौन है आ गोटे सब्जेक्ट यूज कली ये सब्जेक्ट कौन यूज कली सब्जेक्टिव केस रे हु आसे देन हु यूज करदेली ओके ये सेंटेन्स टी ट्राए करवा देख सी इज द काइंड ऑफ वुमेन हुम एवरीबॉडी नोज इज बीइंग एंड मैग्निमस नो एरर ये सेंटेन्स टी ठीक अच्छे ना भूल अच्छी ट्राए करवा जदि भूल अच्छी देन हु एंड हूम रो हिंट्स देदेली हु एंड हूम रो भूल हम ये हिंट्स देदेली हु एंड हूम रे भूल अच्छी ये सेंटेन्स टी मुझे जो ट्रिक टी कहली से ट्रिक अनुसार करवा ठीक अच्छे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस जब बुझे देख प्रथम भर्ब काउंट करवा इज आसला गोटे भर्ब देन काइंड्स ऑफ वुमेन हूम एवरीबॉडी नोस सेकेंड भर्ब ओके थर्ड भर्ब ठीक अच्छे एथेर मु केतोटी भर्ब पाइली तीनोटी भर्ब पाइली इट मीन्स मते तीनोटी सब्जेक्ट दरकार एठी देखो सी होची गोटे सब्जेक्ट देन एवरीबॉडी होची सेकंड सब्जेक्ट अच्छा
तीनोटी भर्ब अछि एटी अछि कोन दुईटी सब्जेक्ट ताले मते कोन आउ गोटे सब्जेक्ट दरकार ना तो आउ गोटे सब्जेक्ट के हे परबो रिलेटिव प्रोनाउन हो हे परबो तो एटी हुम हबो नी एटी कोन हबो हु हबो ठीक अछि एटी कोन हबो हु हबो सी इज द काइंड ऑफ वुमन हु एवरीबॉडी नोस इज बिगनिंग एंड मैग्निमोस नो एरर थिला तो एटी कोन हबो हु हबो एंड हु काहे के हला मु कह देली ऑलरेडी बुझि हला एरर रीजन टी ओके मुँ कौन कली आराम से भर्ब काउंट कली गोटे सेन्टेन्स भर्ब जहाँ थी सब्जेक्ट सही अनुसार आस गोटे भर्ब नज गोटे भर्ब इज गोटे भर्ब मिलला ठीक अच्छे कितु भर्ब आसला यही अनुसार सब्जेक्ट आसवा कथा बट दुईटा सब्जेक्ट अच्छे एवरीबडी सी मीनस आ गए कौन हु जीए हु गोटे सब्जेक्ट केस आसे तो ये मुझे यूज करदेली भेरी सिंपल द पर्सन हु आई मेट येस्टरडे वाज माई क्लासमेट नो एरर यही सेन्टेन्सटी ट्राए करवा जदि कौन एरर अच्छी एरर खोजी बाहर करवा जदि ना दे नो एरर हम एंड मुझे ट्रिक टी कहली से ट्रिक टी फॉलो करवा द पर्सन हु आई मेट ओके द पर्सन हु आई मेट देख मेट हूँ गोटे भव वाज हूँ आ गोटे भव दीटा भव ओके दुटा भर्ब अच्छे माने कौन सब्जेक्ट भी दुटा दरकार द पर्सन हूँ गोटे सब्जेक्ट आई हूँ आ गोटे सब्जेक्ट इट मीन दुईटा सब्जेक्ट को दुईटा भर्ब अच्छे इट मीन ये कौन ये हु ओके दुईटा सब्जेक्ट को दुईटा भर्ब को आम तीन टा सब्जेक्ट होके दुईटा भर्ब को आम कौन तीन टा सब्जेक्ट हो कौन हम ये हु हम ना ये कौन हम हुम हम बिकज कौन आमर दुईटा सब्जेक्ट को दुईटा भर्ब हवा दरकार ये हु गोटे सब्जेक्ट डी केस आसी जाइए ना द पर्सन एंड आई गोटे सब्जेक्ट एंड हु गोटे सब्जेक्ट आसी इट मीनस कौन दुईटा भर्ब पाई आमर दुईटा सब्जेक्ट तो ठीक है देन हुटा कौन एक्सट्रा हो हुटा कौन हवा कथ नु इट मीनस ये कौन गोटे अब्जेक्ट आसीज दैट्स वाई ये आम हुम यूज कले बुझीगला ट्रिकटा तो He is the person whom everyone thoughts has stolen the ring. No error. ए सेंटेंस ही ट्राई करिवा. ए सेंटेंस रे कौन आमर एरर अच्छे ट्राई करिवा. He is the person whom everyone thoughts has stolen the ring. ठीक अच्छे अगेन आमे भर्ब काउंट करिवा. इज होची गोटे भर्ब. देन थट्स हूँ आ गोटे भव दुईटा भव ठीक अच्छे एवरीवन थट्स हेज हेज आसला गोटे भव ओके टलेन हम ना कहीं हेज पर भव थ्री गोटे गोटे कनसीडर करवा इज एक दुई देन तीन टा भव जदि आमर सब्जेक्ट केतोटी दरकार आमको सब्जेक्ट दरकार तीनोटी ओके ठीक अच्छे देन देखा हि हूँ गोटे सब्जेक्ट देन एवरीवन हूँ आ गोटे सब्जेक्ट ओके एवरीवन हूँ आ गोटे सब्जेक्ट देन आउ तो सब्जेक्ट ना तो तीन टा सब्जेक्ट पाई ये तीनो भर्ब दरकार इट मीन ये हुम आसी ऑब्जेक्ट ये कौन हम आम हु हम हु आसीगला ना गोटे सब्जेक्ट केस देन ये आमर तीनोटी भाव को तीनोटी सब्जेक्ट हो बुझीगला कौटा सब्जेक्टिव केस में आसे हुमटा ऑब्जेक्टिव केस में आसे हि इज द पर्सन हु एवरीवन थॉट्स हैज स्टॉलन द रिंग ठीक अच्छे तो ये एरर थिला देन जीवा नेक्स्ट सेंटेंस द प्लेयर्स हुम वी हैव सिलेक्टेड फॉर आवर टीम आर यंग एंड एम्बिशियस नो एरर ये सेंटेंस टी ट्राई करवा The players whom we have selected for our team are young and ambitious. ठीक अच्छे मुझे जमी कहली प्रथम भर्ब फाइंड आउट करवा भर्ब कौन अच्छे देख भर्ब हूँ आम सिलेक्टेड हूँ गोटे भर्ब फॉर आवर टीम आर देन दुटा भर्ब पाइले दुईटा भर्ब पाइले देन आम सब्जेक्ट के ये आम सब्जेक्ट केतोटी पाइबा दरकार दुईटी सब्जेक्ट पाइबा दरकार ओके देख द प्लेयर्स हूँ गोटे सब्जेक्ट
देन वी हूँ आ गोटे सब्जेक्ट वी हाव सिलेक्टेड फर आवर टीम ठीक अच्छे इट मीनस दुईटा वर्ब्स दुईटा सब्जेक्ट आमर ठीक अच्छे इट मीनस ये हुम ठीक अच्छे ये ऑब्जेक्टिव केस रे आदि ये हु हो जाता इट मीनस कौन आउ गोटे सब्जेक्ट अधिक जदि होता जेहेतु वर्ब दुई अच्छी तो सब्जेक्ट भी दुई हम तो हुटा कटिक हुम होता क्लीअर हु एंड हुम व्यवहार पूरा पूरा मन रहा एमती आम काउंट कर यूज करवा हुर अर्थ हो जीए हुम अर्थ हो जहाँ को एमती आम काउंट कर भी यूज करवा आम सेंटेन्स को पढ़ी मीनिंग बाहर कर भी यूज करपरिया तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु जब आम देखा सेंटेन्स को पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस केवल मन रखा पर जब यार मीनिंग बाहर करने खोजीबा दे बहुत टाइम लॉस हे दैट्स व्हाई मुझे ट्रिक टी कहली ये ट्रिक टी को फॉलो करवा देन देखिए आमर कनसेप्ट 34 ओके स्टार्ट करवा आमर कनसेप्ट 34 देख कनसेप्ट 34 हूँ आमर यह जदि मोर देन आसला मोर देन वन आसो देन यापर जो नाउन टी आस सिंगुलर आसो देन यापर जो वर्ब टी आसो सिंगुलर आसो ओके जदि गोटे सेंटेन्स आम मोर देन पाइबा मोर देन वन पाइबा यापर जो नाउन टी आसो सिंगुलर आसो एंड यापर जो वर्ब टी आसो सेटा सिंगुलर आसो ठीक अच्छे जदि आम मोर प्लस नाउन पाइबा देन यही मोर पर नाउन टी कौन हम आम प्लुराल हम देन वन आसो देन भव टी कौन हम प्लुराल हम जदि नाउन सिंगुलर देन भव सिंगुलर जदि नाउन प्लुराल देन भव प्लुराल यहाँ हूँ आम कनसेप्ट एंड मोर देन वन पर सब जहाँ भी नाउन पाइबा सिंगुलर पाइबा ठीक अच्छे से समय मुझे मेनी एंड मेनी ए ठीक अच्छे मेनी एंड मेनी ए से समय जो कनसेप्ट कही जस्ट यहाँ मोर को ट्रांसफर्मेसन हो मोर देन पर जो मोर देन वन पर जो नाउन टी पाइबा से सिंगुलर देन यापर जो वर्ब टी आसो सेटा सिंगुलर हम देन मोर देन वन ठीक अच्छे ये मोर देन वन टा कौन हम मोर देन वन भितर गोटे नाउन आसो देन वन टा पर आसो माने नाउन टा प्लुराल हम एंड यापर जो वर्ब टी आसो प्लुराल हम है देखा क्वेश्चन करवा मोर देन वन पर्सन वाज किल्ड इन द बैटल मोर देन वन पर्सन वाज किल्ड इन द बैटल यही सेंटेन्स कौन एरर अच्छी सेंटेन्स टी ठीक अच्छी ट्राई करवा मोर देन वन पर्सन वाज किल्ड इन द बैटल देख मोर देन पर कौन आसला वन पर्सन सिंगुलर आसला ये कह दे मोर देन पर नाउन टी सिंगुलर आसो देन वाज आसला मोर देन वन पर्सन ये कौन आसला भव वाज आसला मोर देन वन पर्सन वाज किल्ड इन द बैटल यही सेंटेन्स ठीक अच्छे असुविधा नहीं देन मोर पर्सन्स मोर पर कौन है प्लुराल आसला मोर पर्सन्स देन वन यही पर्सन्स कौन हम ये वेयर आसर किल्ड इन द बैटल यहाँ ठीक अच्छे मोर देन वन कंट्रीज वाज टेकिंग ए पार्ट इन द कन्फरेन्स मोर देन आसला आम कौन वन कंट्रीज मोर देन वन कंट्रीज प्लुराल अच्छी वाज वाज आसी देख ये जेहेतु यहाँ प्लुराल अच्छी तो यहाँ वाज आसी तो आम यहाँ चेंज करवा ना यहाँ चेंज करवा सब्जेक्ट पार्ट्रे चेंज करवा ना भर्ब पार्ट्रे चेंज करवा ट्राए करवा देख ये कहली ना कनसेप्ट कौन कहली मोर देन पर कौन आठ आम मोर देन वन पर आम सिंगुलर हम तो भव टी भी सिंगुलर हम इट मीनस ये मोर देन वन पर यहाँ कौन कंट्रीज हो जाए कंट्रीज हम ना यहाँ वाई हम ओनली यहाँ कौन हम आम कंट्री हम मोर देन वन कंट्री वाज टेकिंग ए पार्ट इन द कन्फरेन्स हम यार करेक्ट आंसर ओके बुझीगला कनसेप्ट 34 देन आम देखा कनसेप्ट 35 दैट इज देर रनसेप्ट देखा आम सब सेन्टेन्स कहते देर इज देर आर तो केते बेले देर इज हुए एंड केते बेले देर आर हुए एटा को आमे भल भाव बुझिबा दैट इज आमर कनसेप्ट 35 ठीक अच्छे यही कनसेप्ट 35 टी आम भल भाव बुझिबा बहुत इम्पोर्टेंट जिते सब स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हुए से बहुत आसे देर पर कनसेप्ट हूँ ध्यान दे शुणा देर पर जो वर्ब टी आसो ये देर अनुसार आसवनी वर्ब पर जो ऑब्जेक्टिव केस टी रहइब ये ऑब्जेक्टिव केस टी सिंगुलर देन वर्ब सिंगुलर जदि ये ऑब्जेक्टिव केस टी प्लुराल देन वर्ब प्लुराल हम मन रहिला ना देर पर टी एच या देर पर वर्ब आसो
बट से भर्ब टी ना यही देर रेकर्डिंग आसब ना ये कौन कह चाहिए यही देर रेकर्डिंग आसब ना देर पर बिकज यही देरटा जब आम न बुझा 36 कनसेप्ट आमको बुझे ही ना ठीक अच्छे तेणुक देर रनसेप्ट को ये आम बुझापी ट्राए करवा देर पर जो भर्ब टी आसब से ही भर्ब टी देर अनुसार आसब ना ठीक अच्छे क्या अनुसार आसब ता सब भर्ब पर ऑब्जेक्टिव केस अनुसार आसब ये ऑब्जेक्ट रो जगह रे जदि सिंगुलर पाइबा देन भर्ब टी सिंगुलर हबो जदि ये ऑब्जेक्ट जगह रे हमें प्लुराल पाइबा देन भर्ब टी हमरो प्लुराल हबो वेरी सिंपल बुझी हला देखो एटी को गला एटी देयर हबो एक्चुअली हला टी एच ई आर के टाइपिंग मिस्टेक अछि देयर इज ए बिग सिटी इन ओडिसा ठीक अछि देयर इज ए बिग सिटी इन ओडिसा एटी कोन इज आसीला देयर इज ए बिग सिटी इन ओडिसा ये सेंटेंस ये इज हम आर हम ट्राए कर मुझे कहली ये देख बिग सिटी गोटे सिंगुलर ना सिटी हूँ गोटे कमन नाउन गोटे सिंगुलर सेन्स आसा आम कमन नाउन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल इट मीन सिंगुलर प्लुराल कर देर इज या जेहेतु सिटी हूँ सिंगुलर ए बिग सिटी मैंने गोटे सिटी ए बिग सिटी मैंने कौन गोटे सिटी तो अकॉर्डिंग टू दैट भर मध्य कौन अच्छे आमर ठीक अच्छे देर इज ए बिग सिटी इन ओडिशा हम यार करेक्ट आंसर देन देर आर नो स्ट्रीट लाइट्स इन आवर कलोनी यही सेंटेन्स टी देखा ये आर आठ अच्छे कहीं नो स्ट्रीट लाइट्स प्लुराल अच्छी दैट्स वाई ये कौन हम ये भर टी प्लुराल हम देर आर नो स्ट्रीट लाइट्स इन आवर कलोनी हम यार करेक्ट आंसर बुझीला देर पर जो भर्ब टी आसब ता क्या अनुसार आसब ता अलवेज आमर से भर्ब ऑब्जेक्टिव पार्ट अनुसार आसो जदि से ऑब्जेक्टिव पार्ट टी सिंगुलर देन भर्ब सिंगुलर देन जदि से ऑब्जेक्टिव पार्ट टी प्लुराल देन भर्ब प्लुराल हेब बुझीला ओके देन जीवा नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ आमर देर हैज बीन ए नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ये आमर हेज ठीक अच्छे ना भूल अच्छे ट्राए कर हिंट्स देदेली देर हैज बीन ए नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ देख ये कौन ए नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अच्छे इट मीन यहाँ प्लुराल अच्छे यहीटा जेहेतु प्लुराल अच्छी तो अकॉर्डिंग टू दैट भर्बटा कौन हम प्लुराल हम ये कौन हम हेव हम ठीक अच्छे देर हैव बीन ए नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ हम यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे बुझीगला देन देखिए आमर कनसेप्ट 36 एटा एक्चुअली कनसेप्ट नुह बट एग्जाम आसी जाए स्टेट लेवल एग्जामिनेशन रे दैट्स व्वे आम यही कनसेप्ट को जस्ट खाली स्लाइडली देखीद जदि इज कि एव्री गोटे नाउन सहित आसो देन एंड आसब पुणी थे इज कि एव्री जदि गोटे नाउन सहित आसो अलवेज भर्बटा सिंगुलर हम किंबा इज किंबा एव्री जदि आसिबो गोटे नाउन सहित देन गोटे एंड आसिबो देन जदि एहा परे इज किंबा एव्री आसु नै तथापि भी भर्ब टी कौन हम आम सिंगुलर हम ओके मन रहा इज किंबा एव्री आसिबो देन गोटे नाउन आसिबो देन इज किंबा एव्री आसिबो देन गोटे नाउन आसिबो देन सेटा आम सिंगुलर भाव में कनसीडर करवा अदरवाइज इज किंबा एव्री आसिबो जदि गोटे नाउन आसिबो किंबा एही एंड परे जदि इज किंबा एव्री आसु नै तथापि भी से भर्ब टी को आम सिंगुलर भाव में कनसीडर करवा ठीक अच्छे देख ये कहगला इच मैन एंड इच वुमेन हैज कम हम इच मैन मैन पूर्व इच आसला इच वुमेन वुमेन पूर्व इच आसला देन ये भर्ब टी कौन हम आम सिंगुलर हम इच मैन एंड इच वुमेन हैज कम हम यार करेक्ट आंसर बुझीगला इच एंड एव्री कनसेप्ट देन जो आम कनसेप्ट 37 देख मुझे से देर रूजेस कहली से देर रूजेसटा हूँ सब मोस्ट इम्पोर्टेंट से ही कनसेप्ट जदि आम बुझी देन आम बहुत हेल्पफुल हम यही ए लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ मोस्ट ऑफ सम ऑफ ऑल ऑफ प्लेंटी ऑफ मोस्ट सम यही जो मोस्ट एंड सम रो यही कनसेप्ट बुझापाई ओके देख ये मुझे यहाँ चाहूँगी इट मीन कनसेप्ट हूँ यह जदि आमर ए लॉट ऑफ हम ओके देन आमर ये ए जदि आसर लॉट ऑफ हम जदि ये ए आसू ना यहाँ हम लॉट्स ऑफ इट मीन्स
सिंगली इट मीन्स इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली आम लॉट ऑफ कही परिवा नहीं किंबा इंडिपेंडेंटली आम ए लॉट्स ऑफ कही परिवा नहीं ए दुईटा आगरे इट मीन्स आगु को हमें देखिवा एंड यार कांसेप्ट कौन जितने आम सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्लोज टेस्ट गोटे पैसेज पढ़िया से समय आमको बहुत हेल्पफुल हम दुईटा कांसेप्ट मन रखा देन आम पूरा मेन कांसेप्ट को जीवा ए लॉट ऑफ आसीबो किंबा ए लॉट्स ऑफ केबे मध्ये हबो नै ए लॉट ऑफ हबो किंबा लॉट ऑफ केबे मध्ये हबो नै लॉट्स ऑफ हबो ठीक अछि एबोल जदि हम फ्रेज पाइबा मोस्ट ऑफ सम ऑफ ऑल ऑफ प्लेंटी ऑफ मोस्ट किंबा सम पाइबा देन एहा परे गोटे अनकाउंटेबल नाउन आसीबो जेमिति सुगर मिल्क मनी जदि गोटे नाउन अनकाउंटेबल आसीबो इट मीन्स एटा को आम गोटे सिंगुलर सेन्स रे कंसीडर करिबा एंड एहा परे जो वर्ब टी आसीबो से वर्ब टी मध्ये कोन हबो हमर सिंगुलर हबो जदि एहा परे जदि नाउन प्लुराल आसीगला देन एहा परे वर्ब टी मध्ये कोन हबो प्लुराल हबो प्लुराल मीन्स कोन सेटा आम काउंटेबल कहि परिबा ओके ए लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ मोस्ट ऑफ सम ऑफ ऑल ऑफ प्लेंटी ऑफ मोस्ट एंड कम सॉरी मोस्ट एंड सम एहा परे जदि गोटे अनकाउंटेबल नाउन आसीला अनकाउंटेबल जदि नाउन आसीला अनकाउंटेबल नाउन माने कोन सुगर हे परिबो मिल्क हे परिबो मनी हे परिबो मनी टा होजी अनकाउंटेबल नाउन बट रूपी टा होजी कोन हमर काउंटेबल नाउन एहा परे जदि अनकाउंटेबल नाउन आसी जीव देन एहा परे जेउ नाउन टी आसीबो सेटा हेबो हमर कोन सिंगुलर भाबरे बिकॉज आम अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को केबे मध्ये प्लुराल करि परिबा नाही दैट्स व्हाई से वर्ब टी मध्ये कोन सिंगुलर हबो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट जदि से नाउन टी प्लुराल हबो इट मीन्स जदि काउंटेबल हबो देन वर्ब टी मध्ये कोन हबो हमर प्लुराल हबो बुझियाला ई जो वर्ड्स को मान रखिया ए लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ एंड ए दुटा भीतर मु कहली ए लॉट ऑफ हबो खाली लॉट ऑफ हबो नाही सेटा लॉट्स ऑफ बोली हमें मनने रखिबा ओके बुझियाला देखो हम कि सेंटेंस करिबा सेंटेंस होजे हमर देयर डैश एठी एम इज आर ए लॉट ऑफ मिल्क अछि एठी एम इज आर भीतर कोटा हबो ट्राई करिबा एठी देखो देयर ए लॉट ऑफ मिल्क अच्छा मते को मिल्क डा गोटे काउंटेबल ना अनकाउंटेबल मिल्क हूँ गोटे आम से देखिले अनकाउंटेबल इट मीन्स गोटे सिंगुलर यटा को आम प्लुराल करना तार सह ये एम हम ना कि आर हम ना ये कौन हम आम इज हम करेक्ट आंसर देर इज ए लॉट ऑफ मिल्क हम आम करेक्ट आंसर ओके देर इज ए लॉट ऑफ मिल्क हम आम कौन करेक्ट आंसर देन यहाँ देखा देर डैश ए लॉट ऑफ फर्नीचर इन द रूम आर इज एम यह भितर कौटा हम ट्राए करवा There dash a lot of furniture in the room. R is M. यहाँ भीतर को उठाकर try करिए. देखो. There परे a lot of furniture अच्छी. Furniture टा knowledge, furniture, scenery से समय रे कोई थी class one रे. ये उठाकर सब गोटे गोटे singular means uncountable. तो ये ठीक है ना वो. R हवो नहीं. इनमें M हवो नहीं. ये ठीक है वो कौन हमरो is हवो. There is a lot of furniture in the room हवो. Okay then. There dash a lot of people here today. R is M. It is a lot of people as you are. People mane kono people gote plural. Okay. People, then public, then police. It is a plural sense rami use karanti. So it is kono. There a lot of there are hobo eti kon hobo eti is hobo nai kimba m hobo nai jehetu eta plural then eta kon hobo because mu koithili there ta kon there pore jo verb ti asibo verb ta sobu bele verb pore object jagar asuthuba kon tense it means eta jodi singular then eta singular then eta plural plural there are a lot of people here today hobo yaro correct answer then eta dekhiba there's lots of milk r is m there dates there it kon hobo milk achina uncountable that's why it kon hobo gota amra singular jeitu eta singular yar eti r hobo nai kimba m hobo nai eti hobo is there is lots of milk hobo okay then eta dekhiba most of the girls dash absent today r is m eti kota hobo try kariba most of the girls
ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଗର୍ଲସ ଅଛି, ପ୍ଲୁରାଲ ଅଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯଦି ମଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସିବ ଏହାପରେ ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ ଆସିବ ଦେନ୍ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ଲୁରାଲ ହେବ। ଏଇଠି ଆର୍ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗର୍ଲସ ଆର୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଟୁଡେ ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱେଲିଂସ୍ ଡେସ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ଼ ବାଇ ହିମ୍ ହେଜ୍ ହେବ ନା ହେବ। ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱେଲିଂସ, ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ପ୍ଲୁରାଲ ଅଛି ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ, ଆମର ହେଜ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଠି ହେବ ହେବ, ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି କୁହାଗଲା ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ମନି ଡ୍ୟାସ୍ ବିନ୍ ସ୍ପେଣ୍ଟ ହେବ ହେବ ନା ହେଜ୍ ହେବ। ଏଇଠି ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ମନି ଡ୍ୟାସ୍ ବିନ୍ ସ୍ପେଣ୍ଟ ଏଇଠି ହେବ ହେବ ନା ହେଜ୍ ହେବ, ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ମନି ଆସିଲା, ଏଇ ମନି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ ନାଉନ୍, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ଲୁରାଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ କନସିଡ଼ର କରିବା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ, ହେବ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ଲୁରାଲ ହେବନି, ହେଜ୍ ହେବ। ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ମନି ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ସ୍ପେଣ୍ଟ। ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଏଜ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼, ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଏଜ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ ଏଇଠି ବି ହେଜ୍ ହେବ ନା ହେବ ହେବ, ଟ୍ରାଏ କରିବା। ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଏଜ୍ ହେଜ୍ ହେବ ନା ହେବ ହେବ, ସରି ହେଜ୍ ନୁହଁ, ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅପସନ୍ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ଇଜ୍, ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍। ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଏଜ୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ ଆର୍, ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଏଜ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ଼ ହେବ ନା ଏମ୍ ଗୁଡ଼ ହେବ ନା ଆର୍ ଗୁଡ଼ ହେବ, ହେଜ୍ ହେବ ହେବନି। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଅଛି ତ ମୁଁ କହିଦେଲି ଏଇଟା ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଏଜ୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ ଆର୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ, ବଏସ୍ ଅଛି ନା ପ୍ଲୁରାଲ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ, ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଏଜ୍ ଦେନ୍ କ'ଣ ହେବ ଆମର ଆର୍ ଗୁଡ଼ ହେବ। ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଏଜ୍ ଆର୍ ଗୁଡ଼ ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ ବୁଝିଗଲା, ଦେଖ ଏଇଭଳି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମନି ଇନ୍ ଦିସ୍ ବକ୍ସ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମନି ଇନ୍ ଦିସ୍ ବକ୍ସ। ତ ଏଇଠି ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ଟାଇପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲର୍ ଥିଲା, ମେ ବି ଟାଇପ୍ କରିବା ସମୟରେ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଚେକ୍ କରିନି। ଲଟ୍ ଅଫ୍ କେବେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦରକାର କ'ଣ, ଏ ଏ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଏ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଏ ହେବନି, ଖାଲି ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ହେବ, ତ ନନ୍ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଫିଲର୍ ଥିଲା, ଅଲରେଡ଼ି ଆନ୍ସର୍ଟି ଟାଇପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ଭଲ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମନି ଇନ୍ ଦିସ୍ ବକ୍ସ ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ, ଏଇଠି ଦେଖ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫଣ୍ଡସ ୱି ଗେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆମେରିକା ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ବ୍ରିଜେସ୍, ନୋ ଏରର। ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଏରର୍ ଅଛି କି, ଯଦି ଏରର୍ ଅଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫଣ୍ଡସ ୱେର୍ ଗେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆମେରିକା ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ବ୍ରିଜେସ୍, ଦେଖ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫଣ୍ଡସ ୱି ଗେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆମେରିକା ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଆଣନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଆଣନ୍ତି, ଆମେରିକା ଆଣନ୍ତି ନା ଫଣ୍ଡସ ଆଣନ୍ତି, ଫଣ୍ଡସ ଆଣନ୍ତି। ୟୁଜ୍ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ବ୍ରିଜେସ୍, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ପ୍ଲୁରାଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପ୍ଲୁରାଲ ଅଛି ତ ଏହି ଫଣ୍ଡସ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଫଣ୍ଡସ ବି ଯେହେତୁ ପ୍ଲୁରାଲ ଅଛି ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ, ଏଇଠି ହେବ ଆର୍, ବୁଝିହେଲା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଆପ୍ରୋଚ୍ କିଭଳି ରହିବ ବୁଝିହେଲା କି ନୁହଁ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫଣ୍ଡସ ଏଇଟା ପ୍ଲୁରାଲ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପରେ ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ଏହା ପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତି ଆସିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ଲୁରାଲ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଆମର କନସେପ୍ଟ 37 କ୍ଲିଅର, ଦେନ୍ ଯିବା ଆମେ କନସେପ୍ଟ 38। ଏଇ କନସେପ୍ଟ 38 କିଛି ନୁହଁ, ଅଲୱେଜ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଲୱେଜ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ରହିବ ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଏହି କନସେପ୍ଟ 38 ହେଇଛି। ଦେଖ ସବୁବେଳେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ ସିଙ୍ଗୁଲାର ରହିବ, ଯେମିତି ଆରବିଆନ୍ ନାଇଟ୍ସ, ଗଲିଭର ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଏସ୍ ଆସି ଭାବିକି ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ। ନେମ୍ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ, ଓକେ ଡାର୍ଟ୍ସ, ବିଲିଆର୍ଡ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ନେମ୍ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଫିଜିକ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଏଇଟା ବି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାବରେ କନସିଡ଼ର କରିବା। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍, ମମ୍ସ,
मिजल्स रिकेट्स इटा भी सिंगुलर नेम ऑफ मूवी थ्री इडियट्स ये थ्री इडियट्स इज जगह आम इडियट्स अच्छे भाविकी थ्री इडियट्स आर करदा बट एटा कौन कनसीडर कराई गोटे मूवी नेम को थ्री इडियट्स मूवी आई थिंक समस्त फेवरेट मूवी एंड समस्ते देखी थे नेम ऑफ कंट्री जमी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स वेस्ट इंडीज यही सब गुड़ाक सिंगुलर इट मीनस मुझे कहवाई चाहूँगी यह फाइनाली नेम ऑफ द बुक्स नेम ऑफ द स्पोर्ट्स सब्जेक्ट डिजीज मूवी कंट्री यही सब सेंटेन्स इट मीनस यही सब वार्ड एंड रे जदि एस आसूची भाभी आम प्लुराल भर्ब यूज करवा मानते कौन आर कि वेयर जदि आम यूज करवा देन दैट इज रंग बिकज यही सब गुड़ाक कनसीडर कराए अलवेज सिंगुलर एस आसले सिंगुलर ओके देख ये कह गला द यूएस यूएस डोंट हैव अ डजंट हैव वांट इंडिया इन सिक्यूरिटी काउंसिल द यूएस माने कौन यूएस हूँ गोटे कंट्री एट यूएस ये कौन हम थर्ड पर्सन सिंगुला दैट्स व्हाई इट डोंट हैव नहीं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस जदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हम देन आम डज यूज करवा एंड डज कि डू कि डीड जब आम यूज करते प्रिवियस भिडियो कही जो भर्ब टी आसो अलवेज फर वन हे द यूएस डज नॉट वांट इंडिया वांट आसला भर वन वांटेड होना कि वांट्स भी होना जब थर्ड पर्सन सिंगुलर भर वन ठीक अच्छे ये कौन हम द यूएस डजंट वांट एटा शॉर्ट फ्रॉम नेगेटिव कह जाए द यूएस डजंट वांट इंडिया इन सिक्यूरीटी काउंसिल हम यार करेक्ट आंसर ओके बुझीगला देन यहाँ देखा द अरबियन नाइट्स गोटे बुक्स नेम ठीक अच्छे द अरबियन नाइट्स आर एम इज एन इंटरेस्टिंग बुक एन इंटरेस्टिंग बुक द अरबियन नाइट्स आर हम ना कि एम हम ना इज हम ठीक अच्छे बिकज ये सिंगुलर द अरबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक हम यार करेक्ट आंसर ओके देन बिलियर्ड्स गोटे स्पोर्ट्स नेम बिलियर्ड्स आर इज एम प्लेड बाय वुमेन एज वेल एज मैन बिलियर्ड्स आर इज एम प्लेड बाय वुमेन एज वेल एज मैन इट मीनस महिला मान तो खेलती ता सहित पुरुष मैंने गेम टी को खेलती तो ये बिलियर्ड्स गोटे स्पोर्ट्स सिंगुलर हम से कही आर हम ना कि एम हम ना ये कौन हम आम इज हम आम करेक्ट आंसर ओके देन आम देखा कनसेप्ट 39 गोटे छोटिया कनसेप्ट ओके ठीक अच्छे देख कनसेप्ट 39 कौन कहूँ ये कनसेप्ट 39 हूँ कलेक्टिव नाउन विषय ठीक अच्छे मुझे अल्प किसी हिंट्स दे दूसरी नाउन विषय टी हिंट्स दे प्रथम कथा हूँ आम नाउन क्या कह ठीक अच्छे ओके आज लास्ट कनसेप्ट जस्ट टी एलाबरेसन दूसरे नाउन आम क्या कह नाउन हूँ गोटे नेमिंग वर्ड सिंपली नाउन हूँ कौन गोटे नेमिंग वर्ड एंड यही नेमिंग वर्ड टी गोटे पर्सन आसीपार गोटे प्लेस आसीपार कि आइडिया थिंग्स यूनिट एम सब डिफरेन्ट डिफरेन्ट सेन्स गोटे नेम को इंडिकेट करिया समय आसीपार दैट टू ता पुणी कौन गोटे आमर तीनोटी डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन फॉर्मेट रो आंसर रे ओके एप्रोप्रिएट होता दरकार इट मीनस दैट शुड बी एप्रोप्रिएट इन व्हाट क्वेश्चन करवा हु क्वेश्चन करवा कि हुम क्वेश्चन करवा किए कौन एवं क्या जदि आम क्वेश्चन करवा जदि आम आंसर पाइबा दैट इज नाउन एंड सिंपली आम छोट बेलू यह पढ़ी पढ़ी आसी नाउन हूँ गोटे कौन नेमिंग वर्ड जहाँ को भी पचार कह एंड नाउन केते प्रकार मुझे ये क्वेश्चन करी नाउन केते प्रकार ट्राई करवा नाउन केते प्रकार नाउन हूँ पांच प्रकार कौन कौन प्रॉपर नाउन देन आमर आसला कॉमन नाउन देन कलेक्टिव नाउन देन मटेरियल नाउन देन अब्स्ट्रैक्ट नाउन ओके नाउन केते प्रकार गोटे हूँ प्रॉपर नाउन देन कलेक्टिव नाउन देन मटेरियल नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड आमर हूँ कौन पांच प्रकार है कॉन्सेप्ट हूँ कलेक्टिव नाउन मन रखिया केबे मध्ये प्रॉपर नाउन को आमे प्लुराल करि परिबा नाही किंबा मटेरियल नाउन को मध्ये आमे प्लुराल करि परिबा नाही एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन को मध्ये प्लुराल करि परिबा नाही केवल कॉमन नाउन को ही आमे सिंगुलर एंड प्लुराल करि परिबा ठीक अछि केवल कहा को आमे कॉमन नाउन को ही सिंगुलर एंड प्लुराल करि परिबा एंड कलेक्टिव नाउन को आमे दुईटा सेंस रे यूज करिबा बेले बेले आमे सिंगुलर करि परिबा
एंड बेले बेले आम सिंगुलर मध्ये करि परिबा नाही क्लियर नाउन कौन क्लियर हला नाउन रो केते प्रकार कौन क्लियर हला मु कहली कौन फोटो जे हमर प्रॉपर नाउन देन हमर कॉमन नाउन देन मटेरियल नाउन ठीक अछि देन कलेक्टिव नाउन देन अब्स्ट्रैक्ट नाउन एही प्रॉपर नाउन को आमे सिंगुलर ही करि परिबा एटा को आमे प्लुरल करि परिबा नाही बट एही कॉमन नाउन को आमे सिंगुलर प्लुरल करि परिबा एंड एही मटेरियल नाउन को आमे प्लुरल करि परिबा नाही एंड एही कॉमन एटा जो कहली कलेक्टिव नाउन एही कलेक्टिव नाउन को बेले बेले करि परिबा एंड बेले बेले करि परिबा नाही बट अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आमे प्लुरल करि परिबा नाही बुझी हला किछ असुविधा नाही ओके कांसेप्ट 39 तो एटी क्वेश्चन हो जे एटी जो क्वेश्चन अराइज हला दैट इज ए कलेक्टिव नाउन को आमे केते बेले सिंगुलर करि परिबा एंड केते बेले प्लुरल करि परिबा इट मींस सब बेले सिंगुलर ही रहइबो एंड केते बेले एटा सब बेले प्लुरल ही रहइबो एटी कहियार अर्थ हो जे या जते बेले कलेक्टिव नाउन टी हमर युनाइटेड सेंस रे आसीबो इट मींस समस्त कलेक्टिव माने कोन समस्त माने किछि मु कहबे टीम एटी टीम हो जे गोटे कलेक्टिव नाउन गोटे कलेक्टिव नाउन माने प्लेयर्स मानु को नहीं गोटे टीम हे थाय कैबिनेट हो जे गोटे हमर कोन कलेक्टिव नाउन सो मिनिस्टर मानु को नहीं गोटे कैबिनेट हे थाय ऑडियंस हो जे गोटे हमर कोन ऑडियंस हो जे हमर गोटे कलेक्टिव ओके तो देखो एटी मु कहली ऑडियंस हो जे गोटे कोन ऑडियंस हो जे हमर गोटे कलेक्टिव नाउन सेभली जूरी मध्य होची गोटे कौन जूरी मध्य होची गोटे आमर कलेक्टिव नाउन ओके बुझी हला किछ असुविधा नाही तो एठी कौन होची ना आमर एही भली जदि कलेक्टिव नाउन आसीबो जदि आमे युनाइटेड सेंस रे जदि आमे कथा आबा सेटा ऑलवेज सिंगुलर हबो जदि आमर डिवाइडेड सेंस हबो सेटा ऑलवेज कौन हबो आमर प्लुरल हबो ओके युनाइटेड सेंस हले सेटा कौन हिजो आमर सिंगुलर हिजो जदि डिवाइडेड सेंस आसीला सेटा आमर कौन हिजो प्लुरल हे जीव कौन है यूनाइटेड सेंस कौन है डिवाइडेड सेंस ये प्रश्न उठू ना जिते आम धरी नवा गोटे जूरी जिते जूरी गोटे ओपिनियन देबे कि डिसीजन ने जदि समस्त मत सेम रहा यूनाइटेड सेंस एंड सेटा हम आम सिंगुलर जदि समस्त मत भिन्न भिन्न रोके डिफरेन्ट ओपिनियन देन दैट इज आम डिवाइडेड सेंस एंड सेटा को आम कह प्लुरल ओके देखो ये कहगला राम हैज इटन हिज फुट राम हैज इटन हिज फुट ओके तो ये राम हूँ कौन राम हूँ आम गोटे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ये हिज हूँ कौन हिज हूँ तार पजेसीव केस बट जिते आम अन्य सबूर इट मीनस थर्ड पर्सन हो थर्ड पर्सन आसगला ठीक अच्छे जदि यहाँ गोटे सिंगुलर एंड काउंटेबल कि गोटे प्लुराल सेन्स समय आम जब यही कलेक्टिव नाउन रो पजेसन यूज करवा इट मीनस गोटे कलेक्टिव नाउन जूरी जदि आसो से आम कौन यूज करवा कि गोटे टीम आसे से आम कौन यूज करवा जदि से यूनाइटेड सेन्स होंड जदि गोटे सिंगुलर सेन्स होन आम इट्स यूज करवा जदि से डिवाइडेड सेन्स हो प्लुराल केस होने देर यूज करवा दुईटा जिनस मन रखा इट एंड दे यही दुईटा जिनस यूज करवा जदि से सिंगुलर सेन्स हो पजेसीव केस मुझे दुईटा कनसेप्ट मुझे पजेसीव केस जमी ये राम कौन गोटे प्रपर नाउन आसला ये प्रपर नाउन ये कौन आसला गोटे पजेसीव केस आसला एंड यही पजेसीव केस कौन है राम पजेसीव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर अनुसार यूज है बट जितेबाला गोटे कलेक्टिव नाउन आसीज से ही समय जदि तहार पजेसीव केस आमको यूज करने पड़े देन से ही समय इट रु आम कौन यूज करवा इट्स केतेबेले ना यहाँ गोटे सिंगुलर सेन्स दे रु आम कौन यूज करवा दे इट्स यहाँ केतेबेले ना यहाँ आम यूज करवा गोटे डिवाइडेड सेन्स इट मीनस गोटे प्लुराल सेन्स देखो ये कहगला द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट द जूरी हैज इट मीनस ये सिंगुलर है कहीं बिकज जो गोटे वर्डिक्ट दिगला जा कि आम कहीपर जो गोटे डिसीजन दिगला से डिसीजन टी कौन यूनाइटेड दैट्स व्वे ये कौन है इट्स यूज है ये इट्स ठीक अच्छे ओके बुझीला किसी असुविधा ना दे द जूरी आर डिवाइडेड इन देर ओपिनियन ये कौन है देख द जूरी आर ये जेहेतु कौन है गोटे डिवाइडेड सेन्स आसीगला देन ये प्लुराल यार पजेसीव केस टी कौन है देर है द जूरी आर डिवाइडेड इन देर ओपिनियन हम यार करेक्ट आंसर
ओके तो बुझी है कि असुविधा ना देन देखिए यहाँ द जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी द जूरी वेयर डिवाइडेड ये कौन आसा वेयर डिवाइडेड ठीक अच्छे इन देयर ओपिनियन पॉजिटिव केस ठीक अच्छे रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी द ऑडियंस हैव टेकन देयर द ऑडियंस हैव अच्छे ये जेहेतु भर्टी प्लूराल हैव टेकन देयर हम ना ये इट्स हम ट्राए करवा लास्ट कनसेप्ट देर हम ना इट्स हम द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स ये कौन अच्छे ठीक अच्छे किसी असुविधा ना ओके इट मीन फाइनाली यह कहना चाहूँगी तो आमर ये जो कनसेप्ट जदि इट एंड दे आम गोटे कलेक्टिव नाउन रो पॉजिटिव केस रे आमे यूज करती इटा सिंगुलर पाई एंड गोटे देटा आमर प्लुराल इट मीनस इट रो इट्स दे रो दे ठीक अच्छे से पॉजिटिव सेंस रे यूज करती ओके क्लियर आशा करूची भिडियोटी आपण मैं बहुत यूजफुल हम ऑलरेडी आम 39 कनसेप्ट पर्यंत कवर कर सारी एंड नेक्स्ट वीडियो रे आम 40 कनसेप्ट स्टार्ट करवा एंड जो माने भी प्रथम भिडियोटी देखी ना प्लीज सेटा देखु देन भिडियोटी देखते जहाँफल आप बुझीपर ओके एंड भिडियोटी सब लास्ट पर्यंत देखापी ट्राए करके थैंक यू।